माफी चाहती हूँ, रॉबर्ट को कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स हो रही थी तो इसलिए थोड़ी देर हो गई शुरू करने में, बट उम्मीद करते हैं कि अब इसके बाद ग्लिच फ्री चलेगा। वैसे तो वाईफाई 4 क्या क्या आते जा रहे हैं, बट ये कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स, स्पीड प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही। आज का सब्जेक्ट आपने देखा ही है, स्क्रीन पे है, How Church Controls and Manipulates Social Political Narratives in India. और ये टॉपिक खुद रॉबर्ट रोजारियो ने ही सजेस्ट किया था कि वो इस पे बोलना चाहते हैं। वेलकम रॉबर्ट जी, वेलकम टू दिस शो, धन्यवाद जी। नमस्कार, नमस्कार जी। तो मैं इससे पहले कि शुरू करूं आपसे, पहला सवाल वो मैं देख रही हूं कि अहम ब्रह्मास्मि ने एक बहुत ही एप्ट कमेंट पे पोस्ट किया है। द फर्स्ट कमेंट, इट सेज द एंटायर डेवलप्ड वर्ल्ड, ये एडमिन प्लीज ब्रिंग इट ऑन द स्क्रीन सो एवरीबॉडी कैन सी इट, द एंटायर डेवलप्ड वर्ल्ड इज लीविंग दिस शैलो एम्प्टी कल्ट, बट आवर पीपल आर कन्वर्टिंग इनटू इट ओवर अ फ्यू क्रम्स दे थ्रो एट देम। इन अ फ्यू इयर्स ओनली डेवलपिंग कंट्रीज will be twisted. Do you agree with this assessment, Robert? No, last sentence is only developed countries will be Christian. What he said? No, in a few years, only developing countries will be Christian. All right. Developing in the sense... Third world ke gareeb log hi sirf isai banenge, kyunki Europe mein, America mein, sabne ईसाई धर्म छोड़ते जा रहे हैं, वहाँ चर्चें खाली हैं, चर्चेस खाली हैं, वहाँ तो बार बन रहे हैं, पब बन रहे हैं, डिस्कोटेक बन रहे हैं चर्चेस में, और यहाँ पे प्लांटिंग ऑफ चर्चेस बड़े स्पीड से चल रहा है। तो वो उनका ये पहला कमेंट है, तो आपको ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड में ये थोड़ा सा एम्यूजमेंट चलता है ना, जहां भी एम्यूजमेंट चलता है थोड़ा, वहीं पे तो इनके लिए स्कोप है। अच्छा, मैं पहले की, सॉरी, डिड यू प्लीज फिनिश बिफोर आई आस्क यू माय, नहीं, डेवलप्ड नेशंस में ये नहीं चलता ना, एम्यूजमेंट नहीं चलता, तो ये उनके लिए कुछ अलग बनाना पड़ेगा। इधर तो जब राइस बैग बोलते हैं या पैसा बोलते हैं वो चलता है, तो सही है, यही तो हथकंडे है ना उनके। अच्छा, ये बताइए कि आप क्रिश्चियन फैमिली से हैं, कितनी जेनरेशन पहले आपका परिवार कन्वर्ट हुआ और आप इतने विरोध में कैसे उठ खड़े हुए, ये क्या कारण है कि आप उसके विरोध में उठ खड़े हुए? प्लीज फील फ्री टू स्पीक इन अ मिक्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल इन। मैं मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होगा, हिंदी में बोलो या अंग्रेजी में बोलो या नहीं तो हिंदी में बोलो, दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। ठीक है, हिंदी में बोलिए। जी, आपने जनरेशंस की बात है, जनरेशंस तो ठीक से मैं गिना नहीं पाता, लेकिन साल बता सकता हूँ, 1550 से तब से हमारे हो गया, जैसे कि पुर्तगालियों द्वारा कन्वर्शन शुरू हुआ गोवा में, तो वहां से शुरू होगा, हमारे पूर्वज सब गोवा से हैं, हमारे मतलब सिर्फ मेरे नहीं, जितने भी कोंकणी बोलने वाले लोग हैं, आपको मैं बता दूं मेरी मातृभाषा कोंकणी है, मैं तटवर्ती कर्नाटक मतलब समुद्र किनारे रहता हूँ, मंगलोर उड़पी कारवार पूरा कोस्टल कर्नाटक में आता है, वहां पे जितने भी कोंकणी बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो ईसाई हैं, चाहे हिंदू हैं, जीएसबी हिंदू गौड़ सरस्वत ब्राह्मण, वो भी कोंकणी बोलने वाले हैं, और एक दलित या समुदाय आता है कुडुम्बी, वो हैं, सारे कोंकणी बोलने वाले लोग यहाँ के मूल निवासी नहीं है, वो गोवा से यहाँ माइग्रेट हुए थे 1500 के बीच में। तो कारण ये है कि पोर्चुगेज द्वारा जो भी हुआ था मतांतरण, उसके बाद का जो भी प्रताड़ित हुए थे, इसके लिए इसी कारण माइग्रेट हुए, तो हमारे पूर्वज तब माइग्रेट हुए थे 1500 के बीच में, 1560 तक, उसके बाद कारणांतर वो अलग से बात करेंगे क्या कारण थे माइग्रेशन के, तो तब से लेकर के आज तक हम ईसाई बने हैं, और सेंट फ्रांसिस जीयर को बड़ा सेंट भी मानते हैं, बड़ा पूछते हैं, हालांकि हमें इतिहास नहीं पता इसलिए होगा शायद।
तो मैं रहा बेसिकली देखिए एक युवा अवस्था से मैं एक्टिविस्ट हूँ, पिछले करीब 35 साल से सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जितने भी करप्शन के इश्यू होते हैं जब सरकारी इलाकों में, उसके खिलाफ लड़ता रहा मैं। तो बेसिकली आई एम यू नो मेरा नेचर ऐसा है कि रिवोल्ट अगेंस्ट इनजस्टिस एंड रिवोल्ट अगेंस्ट करप्शन। तो एक बचपन से लेकर आज तक मैं चर्च से जुड़ा रहा हूँ। कई सारे इसमें बच्चों के लिए होता है अल्टर बॉयज, तो मैं अल्टर बॉय था। पांचवी कक्षा में था मैं, तब से मैं अल्टर बॉय बन गया। उसके बाद जैसे यूथ में बनते हैं तो CYM होता है कि कैथलिक यूथ मूवमेंट, अब तो ICYM होंगे, इंडियन कैथलिक यूथ मूवमेंट हो गया, उसमें मेंबर था। उसके बाद जैसे उम्र बढ़ गई तो फिर पैरिश काउंसिल आता है, हर चर्च में एक एक पैरिश काउंसिल होता है, और सात आठ चर्च के लिए एक वराडो बोलते हैं, वहाँ वराडो काउंसिल होता है। फिर डायोसिस लेवल अपना बिशप जो हेड होता है, दो तीन डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डायोसिस होता है, वहां पे डायोसिस काउंसिल होता है। सारे काउंसिल में मैं मेंबर था। तो अल्टर बॉय से लेकर सारे बॉडी जितने भी है, हर में मैं इलेक्टेड मेंबर रहा, कई सारे पद पे रहा, और इसलिए मैंने अंदर से बहुत करीब से चर्च को देखा। तो हालांकि मेरी मानसिकता तो एक्टिविज्म वाली थी, तो इधर जैसे मैंने कुछ अन्याय देखे, मैं सोचा कि ये फलाना आदमी एक इंसान खराब होगा, सिस्टम ठीक होगी, इसलिए मैं कंप्लेन के ऊपर कंप्लेन डालता रहा बिशप को, ये पादरी ठीक नहीं है, कुछ चोरी करता है, ये कुछ मॉरली ठीक नहीं है। तो मेरे आश्चर्य की बात है कि ऊपर से कुछ एक्शन होने की बजाय इस आदमी, इस पादरी के ऊपर मैंने कंप्लेन किया था, उसको प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन होते गया, उससे उसको एक से बढ़कर एक चर्च दी गई। मैंने कहा कि वो चोरी करता है तो उसको ऐसी जगह पे डाल दिया कि ज्यादा चोरी करने की उम्मीद हो, तो वहां से और एक बड़े जगह पे लगते वहां और भी ज्यादा चोरी करने की मतलब उतना पैसा हो। तो मेरे को समझ में आया कि सिस्टम में खराबी है, एक इंसान की खराबी नहीं है, पूरा सिस्टम। जब मैंने पूरा सिस्टम का स्टडी किया तो हाँ लगा कि ये अब की सिस्टम नहीं है, शुरू से खराबी है। अब जो मैं मेरे जीवन काल में जो देख रहा हूँ, यहाँ पे करप्ट नहीं हुई है, इनका इतिहास ही ऐसा है कि पूरा क्राइम और क्राइम के सिवा कुछ नहीं है। तो बस मेरा अध्ययन और मेरा अनुभव जब एक साथ हुआ तो मैं सोचा कि अभी 2009 से लेके मैं पूरा मतलब चर्च जितने भी बॉडी में मैं मेंबर था सब रिजाइन करके बाहर आ गया, फुल फ्लेज बोलने लगा दुनिया के। पहले भी बोलता, ऐसा नहीं कि जब मैं मेंबर था वही तभी भी बोलता हूं, मैं बोलता था। हालांकि चर्च कई सारे आक्षेप करती थी ऐसे बोलना नहीं चाहिए पब्लिक ने, फिर भी बोलता रहा। फिर भी उन दिनों सोशल मीडिया नहीं था, इसके लिए लोगों तक बात पहुंचती नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला तो प्रेस में आता नहीं था, चर्च का क्या बोलते हैं क्लाउड इतना बड़ा है कि बातें बाहर निकलती नहीं थी। तो फिर वैसे कि हमने एक अलग से एक बॉडी भी बनाया था 2001 में, एक बॉडी बनाया था, हालांकि लोग कम थे हमारे पास, फिर भी चर्च के खिलाफ हमने आंदोलन 2001 से बड़ा चढ़ा कर किया। अभी हो गए 20 साल, फिर भी मैं अंदर रहा, चर्च के बॉडी में भी रहा और एक बॉडी चर्च के बाहर उसमें भी काम करता रहा। उसमें भी 7-8 साल काम करने के बाद मेरे को लगा कि यार अंदर रह के कुछ फायदा नहीं है, इसमें एक सुधरने वाला नहीं है, इनको बोलना है तो इनको पब्लिक ले आके इनको पूरा नंगा करना पड़ेगा। तो 2009 से मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, और जैसे ये सोशल मीडिया आ गई पिछले 7-8-9 साल से, तब से मेरा आवाज आप तक और पूरे दुनिया तक पहुंच गई है। पहले तो बस 4 दीवारों में रहती थी। तो आप पर अटैक नहीं हुए जैसे वो नर्सेस जिन्होंने रेप्स का मामला, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का मामला उठाया था कुछ बिशप्स के खिलाफ, तो उनकी तो जान खतरे में आ गई, कुछ एक मर्डर्स भी हुए। मुझे याद है कि मेरे पास भी 1980 के दशक से कई बार छोटे एक दो ग्रुप में नंस आई वहां की अंदरूनी कहानी बताने, पर जब मैंने कहा कि आप नाम से बात करोगे तो बहुत दहशत में थी, और दहशत ये थी कि केवल हम पे नहीं, हमारा पूरा परिवार, अगर हम मान लीजिए बगावत पे आ जाते हैं या खुलेआम कुछ कहने लगते हैं, तो हमारे पूरे गांव में जो परिवार है
शामत आ जाएगी, क्या ये सही है और आप कैसे बच गए? नहीं जी, आपने आपने जो अटैक की बात की वो तो सही है, वो चर्च तो पता नहीं हर हर हथकंडे अपनाती है, अपना चलाने के लिए, मन मर्जी चलाने के लिए हर हथकंडे अपनाती है, ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर मेहरबानी करती हो, लेकिन हमारी हाल तो ऐसी कि हम भी कुछ कम नहीं है, तो जरा मेरे को ये करने में मुश्किल लगा उनको, नहीं तो कोशिश तो बहुत की शुरुआत से। आपको सपोर्ट कहाँ से मिला? सपोर्ट थोड़ा थोड़ा बहुत लोकल सपोर्ट मिला, और जैसे कि अंदरूनी सपोर्ट में सबसे बड़ा सपोर्ट तो ये होता है कि मनोबल का, आपका अगर मनोबल ठीक है, मनोबल गिरा नहीं है, फिर तो आप कितना बड़े शत्रु से भी लड़ सकते हैं। जैसे मनोबल गिरता है फिर आपके साथ 100 लोग या 1000 लोग भी खड़े हो फिर भी आप खड़े नहीं हो पाएंगे, तो मनोबल की कभी कमी नहीं हुई, तो मैं लड़ता रहा। अच्छा, आपने कहा करप्शन के खिलाफ से शुरू हुई, चर्च की करप्शन के खिलाफ की लड़ाई से आपकी शुरुआत हुई, आपके डिसएंचेंटमेंट की, तो क्या सिर्फ मटेरियल करप्शन की बात थी कि उसके डॉगमा से, उसकी आइडियोलॉजी से, और वो जो सारा सिस्टम है, आपने कहा सिस्टम ही खराब है, वो सिस्टम में क्या खराबी है, उसकी जरा आपकी निगाह से बात सुनना चाहूंगी। सिस्टम में खराब ये है कि वहां जस्टिस नाम का कोई चीज नहीं है, न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। अगर आप न्याय मानते हैं चर्च में, तो लोग वो मनी मन हंसते कि ये कहां से आ गया उल्लू का पट्टा, या तो हम जो बोलते वही न्याय है, जो चर्च बोलती वही न्याय है, और ये उसके अलावा न्याय की कोई गुंजाइश नहीं है वहां पे जाके। हालांकि हम बोलते हैं धर्म में, अगर कोई धर्म हो वहां न्याय सबसे ऊपर होता है, लेकिन रिलीजन में, रिलीजन में न्याय के लिए कोई स्थान नहीं है, जो पादरी बोलता है वही न्याय है, जब उसका या उससे बढ़कर बोलता है तो वही न्याय है। तब आप पूछेंगे क्या सारे पादरी एक ही जैसे बोलते हैं, कि ये सवाल आप पूछ सकते हैं, तो मेरा भाई ये अनुभव भी रहा है कि एक पादरी ने एक कहा हम मानते गए, पादरी बदल गया दूसरा है उसने ठीक उल्टा कहा वो भी ठीक है वो भी हम मानते गए, मतलब पादरी जो भी बोलता है चाहे वो उल्टा ही बोलता है लेकिन वो सही है, क्योंकि वो भगवान से चुना गया है, इसलिए पादरी नाम का अर्थ आप ढूंढने लगेंगे तब आपको अर्थ भी यही निकलेगा कि पादरी मतलब मैन ऑफ गॉड, तो भगवान का आदमी है, तो भगवान का आदमी है तो झूठ नहीं बोल सकता या कुछ अन्याय नहीं कर सकता, वो जो भी करता है न्याय करता है, जो भी बोलता है सच बोलता है, तो उनके हिसाब से तो हमने बस मानना है उसको। और ये न्याय मांगने वगैरह ये क्या बोलते हैं संस्कार की ये संचार दुनिया की परंपरा है, रिलीजन में बस यू हैव टू पे प्रे एंड ओबे, पे प्रे एंड ओबे, आपका काम है कि पे करना, आपका काम है कि प्रे करना, और आपका काम है ओबे करना, बस इसके सिवा आपको कुछ नहीं करना, अक्ल नहीं लगाना, आपकी अक्ल यूज इस्तेमाल करने करना नहीं चाहिए, उसका कोई गुंजाइश नहीं है, अगर अक्ल इस्तेमाल करने लगोगे तो फिर चर्च से निकालो, निकाले दिया जा, बाहर फेंक दिया जाओगे। अच्छा, इसमें दो बातें आती हैं, एक तो आप कह रहे हैं न्याय की बात करना ही अपने आप में अपराध है चर्च के अंदर, पर दुनिया भर में तो ये सोशल जस्टिस की लड़ाइयां लड़ते दिखते हैं, अपने आप को वॉरियर्स ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, ऐसे ऐसे एनजीओ को फंड करते हैं, हजारों लाखों एनजीओ को सपोर्ट करते हैं कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई, एनवायरमेंट न्याय की लड़ाई, गरीब के हकों की लड़ाई ये लोग लड़ेंगे, और ये मेधा पाटकर और टीस्टा सेटेवार्ड और अरुणा रॉय, ये सारे एनजीओ को प्रॉप अप करना, उनको एक ग्लोबल प्रोफाइल देने का काम तो चर्च ने बखूबी किया, तो ये न्याय अंदर नहीं है केवल भारत सरकार या वो सरकारें जिनको टॉपल करना है केवल उन्हीं के खिलाफ न्याय का इस्तेमाल होता है क्या हथियार के रूप में? बिल्कुल हंसी की बात है, अभी मेरे से आपने सवाल पूछा तो मेरे को हंसी आती है आपको, लेकिन आपके दर्शकों को ये आश्चर्य लगेगा कि जो भी बोलते हैं जितने भी आप शब्द गिनाए, न्याय हो या राइट टू डिसेंट और क्या 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 बोलते हैं डेमोक्रेसी, ये कुछ भी चर्च के अंदर नहीं है, ना डेमोक्रेसी है ना न्याय है ना राइट टू डिसेंट, राइट टू डिसेंट बोल छोड़िए, राइट टू डिसेंट तो दूर की बात होगी, यू कांट इवन एक्सप्रेस योर ओपिनियन, अपना ओपिनियन थोड़ा सा भी अलग हो पादरी से वो एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है आपके आपके यहाँ, तो डिसेंट तो बहुत दूर की बात होगी। अब ये पादरी लोग
सड़क पर खड़े होके मोदी को गाली देते हैं, बोलते हैं कि राइट टू डिसीजन नहीं है, तो ये तो हिपोक्रेसी है। बोलते हैं ना हिपोक्रेसी के, क्या बोलते हैं कि हाइट कुछ है तो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी तो चर्च है। इस वक्त ऑन द वन हैंड यू आर सेइंग कि ये सब नहीं है, दूसरी तरफ कन्वर्जन बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो ये पॉलिटिकल नैरेटिव जो आप बताना चाहते थे कैसे चर्च मैनिपुलेट करता है सोशल पॉलिटिकल नैरेटिव अलग अलग मुद्दों पे, इसकी जरा कहानी बताइए। अब देखिए चर्च के अंदर ना डेमोक्रेसी है, ना बात करने की अपना ओपिनियन रखने का हक है, ना अपना खुद का प्रेयर करने का हक है। देखिए चौंकाने वाली बात, प्रेयर एक थोड़ा था, आप जितना भी प्रेयर करते हैं उसमें तो 90% ऐसे होने चाहिए जो ऊपर से दिए गए, ये 5-10% आप अपना प्रेयर कर सकते हैं, वो भी फ्रीडम नहीं है आपके। आपको जैसे ही बच्चा पैदा हो आपके घर में उसको नामकरण करने का, नाम रखने का जो भी प्रक्रिया होते है उसका समय और दिन तय करना आपके हाथ में नहीं है, वो चर्च के हाथ में है। जैसे बड़े हो जाते हैं, जैसे भी जो भी संस्कार होते हैं उसके लिए आप तारीख तैयार नहीं बता सकते, वो चर्च तय करेगा। आपकी शादी हो रही है, अगर लड़का लड़की दोनों तैयार है, दोनों के परिवार तैयार है, फिर भी चर्च कोई ना कोई बीच में आड़ा डाल सकती है, उसमें ये होगा कि नहीं होगा, इस दिन होगा कि उस दिन होगा, इस टाइम पे होगा कि उस टाइम होगा, जो चर्च के मर्जी से चलेगा। जैसे आदमी बूढ़ा होता है, मर जाता है, तो मरने के बाद भी इनके चंगुल से छूटता नहीं है, इसको कब दहन करना, मतलब दहन क्या बोलते, दफन करना, कहां दफन करना, कितने बजे दफन करना, कौन से टाइम पे दफन करना, ये सब चर्च निर्णय करती है, तो हमारे हाथ में नहीं है। तो एक पैदा हुआ नया बच्चा से लेकर मुर्दा हुआ शव तक पूरा कंट्रोल तो चर्च के हाथ में है, और ये कंट्रोल अगर सारे दुनिया के लोगों का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। आइडिया देखिए, एक जगह से किसी दुनिया की एक कोने में बैठे हुए एक आदमी पूरे दुनिया को अगर कंट्रोल करना चाहे तो यही है हथकंडे। ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक पूरे हमारे हाथ में आ गए तो ना पुलिस की जरूरत है, ना मिलिट्री की जरूरत है, हम तो पूरा शासन चलाएंगे। तो अंतिम मकसद तो यही है। तो ये सारे बोलने की जो नैरेटिव है ये तो सिर्फ हथकंडे चलाने के लिए नहीं है। और आपने नैरेटिव्स की बात की जी, अब देखिए भारत में जितने भी नैरेटिव्स, पॉलिटिकल नैरेटिव्स हैं, जितने भी फेक नैरेटिव्स हैं, जितने भी काउंटर नैरेटिव हैं, अब मैं यहां से शुरुआत करता हूं, मेरे को कैसे पता चला ये नैरेटिव चर्च चलाती है। तो 80 के दशक में एक बड़ा हिंदुओं की तरफ से एक बड़ा नैरेटिव चल रहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, मुंबई जैसे शहर में शिवसेना वालों ने बड़ा उसको बड़ा चढ़ाकर उसको प्रमोट कर रहे थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो इसका एक लगा कि इनको लगा कि एक काउंटर नैरेटिव आना चाहिए, हर नैरेटिव को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो काउंटर नैरेटिव चाहिए। तो एक काउंटर नैरेटिव आया, पता है याद है आपको क्या काउंटर नैरेटिव आया? काउंटर नैरेटिव आया कि प्यार से कहो हम इंसान हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो प्यार से कहो हम इंसान हैं। अब देखिए, अब दोनों नैरेटिव अगर आप एक सच्चे हिंदू के सामने रख दोगे तो दूसरे नैरेटिव पर फिदा हो जाएगा। सच्चा हिंदू यही बोलेगा कि मेरे को पहले इंसान बनना है, प्यार से कहो हम इंसान हैं, बाद में हम हिंदू बनेंगे। तो इसका मतलब हिंदू का मानस पूरा अध्ययन करके ये नैरेटिव बनाया, और ये काम सिर्फ और सिर्फ चर्च ही बना सकती है। और ये भी मेरा गेस्ट वर्क नहीं है, मेरे को एक पादरी ने बताया, एक पादरी जो इस मतलब बड़े स्तर पर था उसने खुद मेरे को ये बताया, मैं कॉलेज में था उन दिनों। तो वो पादरी आज के दिन में एक बिशप है, छोटा मोटा आदमी नहीं है। तो तब से मेरे को लगा कि हाँ, तो हर नैरेटिव के पीछे में जब मैं अध्ययन करता हूं तो चर्च का हाथ निकल आता है। और आप, मैंने अभी बताया कि ये नैरेटिव बनाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत दिमाग लगता है इसमें, और जहां जहां भी दिमाग लगता है, दिमाग का काम होता है वो चर्च के द्वारा ही होता है, ना हमारे हिंदू नेता कभी ऐसा दिमाग लगा पाए। ये आपने अनोखी बात कही, एक तरफ आप बता रहे थे कि चर्च किसी को दिमाग इस्तेमाल करने नहीं देता, ओबीडियंस, पे प्रे एंड ओबे, यानी हर महीने वो टाइप दो और जो वो प्रेयर तुम्हारे मुंह में डाले, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सोचने की जरूरत है, हम सोच लेंगे। सच का ये है कि
तुम लोगों तुम बकरे हो, तुम्हें सोचने की जरूरत है, हम सोचेंगे। ये सोच कहां से एमिनेट करती है? मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ, जब आपने कहा प्यार से कहो हम इंसान हैं, मुझे उस 80 के दशक की याद आती है। हमारे दोस्त जो नक्सल मूवमेंट से जुड़े हुए थे, आनंद पटवर्धन, ये सारे लेफ्टिस्ट अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, इन्होंने बहुत जोर शोर से इस नारे को चलाया था, और मुझे लगा कि शायद इन्हीं की इजाद है, ये बड़े एथिस्ट हैं, अल्ट्रा लेफ्ट हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, तो इन्होंने, तो आप बता रहे हैं ये चर्च ने इनके मुंह में डाला था, तो इसका मतलब दिमाग चर्च का है, दिमाग ब्रेन। हाँ, तो स्लोगन कॉइनेज, तो कहां से ये मशीनरी कहां से आती है? हजार साल का एक्सपीरियंस है, हजार साल का एक्सपीरियंस है चर्च का, ये कैसे बनाना? अब मैं दूसरी एक बात बताता हूँ आपको। आपने ये गोबेल नियम तो सुना होगा, गोबेल स्लो बोलते हैं हमेशा, जो एक झूठ 100 बार बोलो 100 बार बोलो तो एक झूठ सत्य बनता है, गोबेल का नाम दिया है इसको। अब देखिए, मेरा अध्ययन ये कहता है कि गोबेल ने, उसका बाप भी पैदा नहीं हुआ था तब से चर्च ने इसको प्रैक्टिस किया है। गोबेल तो अभी अभी आया था ना, कब, हिटलर के जमाने का है, हिटलर के कैबिनेट में मंत्री था वो जोसेफ गोबेल, तो उसने व्याख्यान दिया बस, और ये प्रैक्टिस चर्च तो हजारों साल से करती आ रही है, कैसे झूठ को सच बनाना, चर्च ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया है, उसका व्याख्यान गोबेल ने दिया, इसके वो गोबेल के नाम पे गया हो, हालांकि वो गोबेल का इन्वेंशन नहीं है। ये और वो बोलते हैं ना कि अवे कप, ये देना, मेकिंग ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल, एक मोल से माउंटेन बनाना, ये ना, लेकिन चर्च के लिए एक मोल की भी जरूरत नहीं है, बिना मोल का वो माउंटेन बना सकती है। उदाहरण सीए में क्या है, मोल ही नहीं है तो माउंटेन बना दिया। मैं कई सारे उदाहरण देता हूँ, दे सकता हूँ, लेटेस्ट उदाहरण तो सीए का, सीए में मोल भी नहीं है फिर भी माउंटेन बना दिया। और भी दीजिए। हाँ जी, और ये तो इतिहास में जाएंगे तो फिर एक बार, मैं बोला ना, फिर एक बार बोलेंगे, वो बड़े बड़े मिलेंगे आपको। एक आध और बता दीजिए ना, क्योंकि सीए के साथ तो बहुत सी ताकतें जुड़ गई थी। नहीं, और... ब्रेन फिर बोलता हूँ मैं, ब्रेन बिहाइंड इट इज द चर्च। अब देखिए, इश्यू ही नहीं है, किसी को ये लगता है कि अरे थोड़ा सा इश्यू हो तो हम बड़ा बना लेंगे, किसी को भी लगता है, लेकिन चर्च को लगता है ना किसी इश्यू की जरूरत नहीं है, हम इश्यू बना लेंगे, आउट ऑफ नो इश्यू विल मेक ए इश्यू, एंड सीए इज अ क्लासिक एग्जांपल। मेरे को आप बताइए सीए में गलती क्या है? ना इतना भरोसा नहीं है क्या, एक मोल भरोसा भी नहीं है, फिर भी आपने इतना बड़ा नैरेटिव बना दिया। और वो तब क्रिश्चियंस को, पर्सिक्यूटेड क्रिश्चियंस को भी न्योता दिया। हां जी, हां जी, हमें लाभ हुआ क्रिश्चियंस को इंक्लूड किया हिंदुओं के साथ, पर्सिक्यूटेड हिंदुओं के साथ, फिर भी इन्होंने। अच्छा, तो ये अपना दिमाग किराए पे देते हैं, भाड़े पे, ऑन हायर टू इस्लामिस्ट, कि ये प्यार इनका भारत में जो इस्लाम के प्रति, इस्लामिस्ट के प्रति दिखता है, इसके पीछे क्या कहानी? नहीं, ये एक रणनीति है, ये भाड़े पे नहीं देते, ना किसी को भाड़े पे देते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। अब इनको ये समझ में आया कि ये 200 साल 400 साल हमारे ऊपर राज करने के ऊपर भी ये टूटने वाला समाज नहीं है, तो इनको तोड़ने के लिए बड़े 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 स्तर पर काम करना पड़ेगा। इसलिए दुनिया भर में जो जो आपस में लड़ते हैं वो सारे भारत में इकट्ठे हो गए। अब देखिए, मुस्लिम और ईसाई दुनिया भर में आमने सामने लड़ेंगे, लेकिन भारत में इकट्ठे हैं। कम्युनिस्ट और ईसाई, कम्युनिस्ट और चर्च पूरे दुनिया भर में आमने सामने आपस में लड़ते हैं, लेकिन भारत में एक साथ है। तो ये सारे फोर्सेस जितने भी है ना, इकट्ठे इसलिए हो गए कि हम इसको तोड़ दें, ताकि हिंदू समाज को तोड़े। बाद में इनके इनके बीच में लड़ाई होने वाली है, वो तो तय है, वो तो होगा ही, लेकिन बाद में बांट लेंगे, आपस में बांट लेंगे। पहले ये तो ना टूटने वाला समाज जो है उसको तो तोड़ना है ना पहले, ये स्ट्रेटेजी है, इट्स अ मैटर ऑफ स्ट्रेटेजी। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, ना टूटने वाला समाज, उसको काफी छिन्न भिन्न किया है। और ये जो एनजीओस को इस्तेमाल करने की जो स्ट्रेटेजी आई, अपना एजेंडा चलाने की, यानी आगे सेक्युलर साउंडिंग एनजीओस और पीछे जैसे मेधा पाटकर का आंदोलन जो था, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एनजीओ रन आंदोलन, सपोर्टेड बैक्ड इंस्टिगेटेड बाय द चर्च। मैं खुद विटनेस हूँ कि उनकी मीटिंग्स भी जो होती थी, जैसे दिल्ली में इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट है,
क्रिश्चियन संस्था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वही मिलता था, और सारे देश भर में उनके जो लीडिंग एक्टिविस्ट रहे वो चर्च एक्टिविस्ट, माओइस्ट, ये सब रहे। तो बहुत ही तभी उसको ग्लोबल इतनी पहचान, फंड रेजिंग, यूनिवर्सिटीज में भी किस तरह का उसका एक हेलो बना, यू नो, इट वाज मेड आउट एज इफ शी वाज द नेक्स्ट सक्सेसफुल मास मोबिलाइजर आफ्टर गांधी। जबकि किसी भी मेधा पाटकर के फंक्शन में या प्रोटेस्ट में मैंने खुद नहीं देखा कि 1500 से ज्यादा लोग इकट्ठे हों, जैसे दिल्ली में भी, पर वो 1500 का जमावड़ा या 500 का जमावड़ा वो ऐसे प्रोजेक्ट करते थे कि ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन आफ्टर फ्रीडम मूवमेंट आफ्टर गांधी। तो ये कैसे तय करते हैं किसको पकड़ना है और क्यों पकड़ना है? तो मेधा तो बहुत सक्सेसफुल रही, फिर एकदम ड्रॉप हो गई। क्या हुआ? क्योंकि मेधा की आंदोलन तभी तक चली जब तक मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह थे चीफ मिनिस्टर, वहीं से लॉन्च थी। गुजरात को देता था, गुजरात का बॉर्डर वो नहीं क्रॉस कर पाई, यहाँ से दिग्विजय सिंह रेड कार्पेट वेलकम देते थे। तो कुछ चीफ मिनिस्टर भी फिर इनके इनके पेरोल पे हैं या इनके इशारों पर क्यों ना जाते होंगे? आपने बता दिया, बिंदु जोड़ दीजिए, आपने खुद कहा कि आप बिंदु जोड़ दीजिए, बस मैंने जो कहा और आपने जो कहा, बिंदु जोड़ेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा, है ना? दिग्विजय सिंह के नाम लिया आपने, दिग्विजय सिंह कौन सा, ये कौन सा चिड़िया का नाम है, वही है ना चीफ मिनिस्टर जो आतंकवादी? नहीं नहीं, दिग्विजय सिंह जो चीफ मिनिस्टर, वही तो मानसिक आतंकवादी है ना, वो बाहर से सच्चा अच्छा दिखता है, जाकिर नायक का शिष्य है, वही है ना? बिल्कुल। हाँ, जाकिर नायक तो वायलेंट दिखता है बाहर से, ये तो बहुत दिखता है, लेकिन जाकिर नायक इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, तो मानसिकता एक ही है। ये जो अलायंस कैसे बनाते हैं, मतलब एक खालिस हिंदू था, रजवाड़े का था, कोई गरीब राइस बैग क्रिश्चियन तो नहीं है दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर जो था मध्य प्रदेश का, और किसी जमाने में उसको चर्च ने या एनजीओज ने ही प्रोजेक्ट किया था, ही इज द बेस्ट लाइकली कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टीरियल पोस्ट इन, यू रिमेम्बर दैट? हाँ, मुझे याद है कि वो उस दिशा में चल रहा था सारा उसका, और फिर एकदम उल्टा ही हो गया, हार गए, अपनी इलेक्शन जीत नहीं पाए, तो प्रधानमंत्री तो क्या बने, चीफ मिनिस्टर भी नहीं, अब तो एक एमपी भी नहीं शायद बन पाए। नाउ द पॉइंट इज, हाउ डू दे आइडेंटिफाई, हाउ डू दे डू, मैं बताता हूं कि इनके जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, ईसाई शिक्षण संस्था इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर जेसुइट इंस्टीट्यूशंस, you name any Jesuit institutions within India, chahe wo Saint Stephen's ho, Saint Xavier ho, Saint Joseph ho, Loyola ho, Saint Aloysius ho, aise ye sare Jesuit institutions hain, Delhi se lekar ke Chennai tak aapko milenge, Bangalore mein milenge, Mumbai mein milenge, and these are the breeding centers of urban Naxals. Ye jo aapne kaha na, unko abhi ek pad diya gaya hai ki urban Naxal ya apologist. Ab sirf matantaran ka kaam nahi karti hai church, जो मतांतर नहीं बोलता उसको एपोलॉजिस्ट बनाती है, वो और भी डेंजर हो गया, मतलब रहे हिंदू लेकिन बोलेंगे चर्च के खिलाफ, चर्च के फायदे में, वो एपोलॉजिस्ट हो गया। अब उससे भी कट्टर एक है वो अर्बन नक्सल, ये सारे पनपते हैं जेसुइट इंस्टीट्यूट में, जितने भी जेसुइट इंस्टीट्यूट हैं वो इनके पनपने का क्या बोलते हैं ब्रीडिंग सेंटर्स। अब ये जेसुइट पादरियों को आप देखेंगे, एक से बढ़कर एक इंटेलेक्चुअल होते हैं, कोई जेसुइट पादरी ऑर्डिनरी इंसान नहीं होता, एक से बढ़कर एक इंटेलेक्चुअल इंसान ही तो जेसुइट पादरी बन सकता है। मैं दो बार, यस प्लीज, स्टैन स्वामी का नाम आता है ना लेटेस्ट, वो भी तो जेसुइट ही पादरी है ना जी। आपने सही कहा, जेसुइट्स की ट्रेडिशन रही है इंटेलेक्चुअल परसूट्स की, बहुत सीरियस, एंड दे ऑलवेज प्रोड्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम इन यूरोप, दे प्रोड्यूस सम ऑफ द बेस्ट स्कॉलर्स, किंतु आज के दिन जो जेसुइट्स भी हैं वो ज्यादातर फर्स्ट जेनरेशन ट्राइबल्स हैं, फर्स्ट जेनरेशन कॉन्वर्ट्स हैं, गरीब जेसुइट में नहीं है, शायद आप जेसुइट की बात कर रहे हैं, जेसुइट पादरी नहीं,
उसमें भी है आज के दिन। अच्छा, उसमें तो भी शायद इंटेलेक्चुअल होंगे। नहीं, बाकी पादरी बन सकते हैं, ऑर्डिनरी बेक के बाकी ऑर्डर के पादरी बन सकते हैं। जिसुइट बनने के लिए उनका बहुत जबरदस्त स्क्रीनिंग है, अगर वो फिट निकला तभी बनेगा। यस, यू आर राइट। बट वो जो यूरोपियंस किसी जमाने में क्वालिटी लाए थे, या स्टैंड स्वामी, वो जेनरेशन वाले, अब वो शायद केरला में निकलते होंगे, बट झारखंड से। हाँ, तमिलनाडु। अच्छा, मैं एक और बात, आप जब बता रहे थे तो मुझे याद आया कुछ मानुषी के इतिहास से, और आपसे मैं ये शेयर भी करना चाहती हूँ, आपका रिस्पॉन्स भी। कुछ लोग बाय द वे आपके साउंड के बारे में कह रहे हैं कि बहुत खराब है। इज इट खराब फॉर एवरीवन? प्लीज कैन यू टेल अस हियर प्रॉपर्ली और नॉट? मेरा साउंड नहीं, मेरा भी वो कह शायद। एडमिन, इज इट ओके और नॉट ओके? इज देयर प्रॉब्लम विद द साउंड? मेरा अभी बढ़ाया मैंने। हेलो, हाँ ठीक है। वो कह रहे थे इट्स ब्रेकिंग अ बिट और एको आ रही है। अब ठीक है, तो प्लीज टेल अस इफ इट्स इंप्रूव्ड। ओके, अब देखिए बराबर हो गया। नाउ एक और मैं बताना चाहती, जब मानुषी शुरू हुई उस वक्त बहुत कम सामाजिक न्याय के मुद्दों पे बहुत कम मैगजीन्स, पत्रिकाएं या ग्रुप्स थे, तो एकाएक हमने देखा कि हमारे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट में क्रिश्चियन संस्थाएं बहुत भयंकर उनका डोमिनेंस था। दे ऑल एब्जॉर्ब्ड मानुषी एज दो इट वाज वेरी डियर टू देम। तो मुझे लगा कि शायद ये लिबरेशन थियोलॉजी का असर है, जो वो नई मूवमेंट्स चलाने का, सोशल जस्टिस की। तो उस वक्त ध्यान में इतना आसानी से नहीं समझ आया कि क्यों ये इतने प्यार से मानुषी को अपना रहे हैं। सब्सक्राइबर्स में डिस्प्रोपोर्शनेट आप हम देखते थे क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस। परंतु जब धीरे धीरे ये उनको समझ में आया कि यहाँ हिंदू बैशिंग नहीं है, जैसे ही हिंदू बैशिंग निकल गई उनके या दिखी नहीं उसकी, और मानुषी ने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी कल्चरल हेरिटेज को अपनाना शुरू किया, ना कि उसको कंडेम करना, तो वो सारे सब्सक्रिप्शंस कैंसिल होते गए, उनका इंटरेस्ट कम होता गया। तो पहले, और मुझे याद है शुरू में एक जेसी टेलिस नायक होती थी इनकी, बहुत बड़ी एक्टिविस्ट, बैंगलोर बेस्ड, और उन्होंने एक किताब वॉल्यूम निकाली और मुझे कहा, मेरा एक उनको ऐसे बड़ा पसंद आया था कि हम ये छापना, रीप्रिंट करना चाहते हैं अपनी किताब में। तो मैंने दे दिया, ओके। पर किताब का नाम था द इमर्जिंग क्रिश्चियन वुमन इन इंडिया। मुझे अब याद आ रहा है आपकी बातें सुन के, बिल्कुल भूला हुआ था। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि मुझे क्रिश्चियन कैसे बना दिया, मैं तो ना इमर्जिंग क्रिश्चियन हूँ ना मैं पैदाइशी क्रिश्चियन हूँ। तो मैंने उन्हें आपको, आपको अर्बन, आपको अर्बन नक्सल बनाने की कोशिश की, आपको आपको अर्बन नक्सल बनाने की कोशिश की, आप बन नहीं पाई। फिर आपको एपोलॉजिस्ट बनाने की कोशिश की, वो भी आप बन नहीं पाई, तो आपको किनारा कर दिया। फिर इतना हमारे खिलाफ एक मुहिम सी, साइलेंट मुहिम चली मार्जिनलाइजेशन की, कि जहां जहां विदेशी यूनिवर्सिटीज में मानुषी कोर्स क्यूरिकुलम में लगती थी, वहां से कैसे निकाली जाए, कहीं फुटनोट्स में मानुषी का नाम ना आ जाए, यहाँ से मटेरियल चुराओ। इन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे मानुषी का प्लेजराइज किया, थेप्ट किया, पर नाम नहीं आए, फुटनोट में भी नहीं आए, किसी कोर्स क्यूरिकुलम में नहीं लगे। हालांकि शुरू में हम सारे दुनिया में जहां भी साउथ एशियन स्टडीज, इंडियन स्टडीज हैं, मानुषी वहां कोर्स में लग गई थी। तो इतना सिस्टमैटिक मार्जिनलाइजेशन का और विस्पर कैंपेन के माध्यम से नुकसान पहुंचाने का काम किया, वो तो मैं मुक्त भोगी हूँ, सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू से, बट गिव अस एन आइडिया ऑफ एजेंडा ओवरऑल क्या है। एक तो एजेंडा इज पॉलिटिकल, मैंने तो बता दिया एजेंडा पॉलिटिकल है, पूरा पॉलिटिकल एजेंडा। आपको ये मत सोचिए कि ये रिलीजन है, गॉड, रिलीजन, गॉड, स्वर्ग, नरक, ये सब बोलने वाली बातें हैं। असली मुद्दा ये है कि बस पॉलिटिकल कंट्रोल,
सारे दुनिया को अपने चंगुल में लेना है, कॉलोनाइज द एंटायर वर्ल्ड एंड रूल फ्रॉम वन पॉइंट, दिस अल्टीमेट एम, व्हिच इज दैट पॉइंट, रूलिंग द एंटायर वर्ल्ड, दैट्स द एजेंडा. बट इतने एंटायर वर्ल्ड रूल फ्रॉम वन पॉइंट, व्हिच इज दैट, व्हिच द वेटिकन, यस वेटिकन इज द, बट वेटिकन से बैठ के आप आज भी देखिए वो भारत को नियंत्रण करते हैं वेटिकन बैठ के. आप बोल सकेंगे हमारा प्रधानमंत्री तो मोदी है, लेकिन आप देखिए उनके पास 303 सीट है. अगर 403 सीटें भी आ जाए नकल, फिर भी मैं बोलता हूं जितना मोदी पावरफुल होंगे उससे ज्यादा चर्च पावरफुल है इस देश में. क्योंकि अब आप देखिए ये हमारा डेमोक्रेसी, हम हमारा स्ट्रेंथ बोलते हैं, मैं बोलता हूं जितना हमारा स्ट्रेंथ है उतना हमारा वीकनेस है. क्योंकि एक आदमी, एक इंसान यहां पूरा कंट्रोल में नहीं है पूरे देश में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई भी हो, एक आदमी पूरे सिस्टम के ऊपर काबू नहीं है उसका, उसका लिमिटेशंस होते हैं. हम बोल सकते हैं कि वो भारत का भी प्रधानमंत्री तो सर्वशक्तिमान है, ऐसा नहीं है. उसको उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए कई सारे इंस्टीट्यूशन है, द सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी एक है. सुप्रीम कोर्ट अगर एक फटकार लगाए तो इनका मेजोरिटी होते हुए भी इनको रिजाइन करना पड़ेगा, तो ऐसी हालत है. अब आप देखिए सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा ताकतवर कौन कौन है, कौन आदमी या ग्रुप ऑफ पर्सन कौन है? सबसे ताकतवर वो है जो हर संस्था में इन्फिल्ट्रेशन कर सकता है, राजनीति में, हर पॉलिटिकल पार्टी में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, इलेक्शन कमीशन में, हर इंस्टीट्यूशन में अगर आप इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हो तो आपसे बढ़कर पावरफुल कोई नहीं है इस देश में. तो यह स्थिति है चर्च की. चर्च का इन्फिल्ट्रेशन हर संस्था में है, पूरे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं मैं, कोर्ट में है, जुडिशियर में बहुत ज्यादा हद तक चर्च का इन्फिल्ट्रेशन है, इसलिए वो अपना काम चला पाती है. तो मैंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां, और जब मैं राजनीतिक पार्टियों की बात करता हूं इंक्लूडिंग बीजेपी, मैं कई सारे इन्फिल्ट्रेट्स विद इनसाइड बीजेपी दिखा सकता हूं. अच्छा, बीजेपी में खुद बीजेपी वालों को पता नहीं है. क्या मतलब इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द चर्च विद इन बीजेपी? उदाहरण दीजिए. आप एक उदाहरण देता हूं लिखिए. अब कई महीनों पहले आपने एक नाम सुना होगा, शिबू थॉमस. एक शिबू थॉमस नाम का आदमी ईसाई है, वो बीजेपी में 10 साल तक बड़े पद पर रहा मध्य प्रदेश में. उनका खुद का वीडियो है, आप देख सकते हैं, खुद का वीडियो है. वो बोलता है कि मैं चीफ मिनिस्टर के साथ बहुत क्लोज था, बहुत क्लोज आदमी था, बड़े पूरा फैसिलिटी लेता था, सब कुछ लेता था. उस पद पे बैठते हुए उसने क्या काम किया मालूम है आपको? उसने एक परसिक्यूशन रिलीफ करके एक संस्था बनाई, मतलब खुद की नहीं, ये बाहरी ताकतों के इशारे पे बनाई, यूएस के इशारे पे बनाई परसिक्यूशन रिलीफ. और जितने भी मेरे जिले हैं पूरे भारत में, जितने जिले हैं हर जिला स्तर पर उन्होंने ये बनाया, कमेटी बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, हर व्हाट्सएप ग्रुप पेड, जिनको वो ये भी करता थोड़ा बहुत पैसे भी देके, जितने भी ईसाइयों के ऊपर थोड़ा ना थोड़ा क्या होते हैं कि सम क्राइम, अभी समाज बोले तो थोड़ा कोई ना कोई क्राइम तो होगा ही, कोई छोटा मोटा ये तो होता है, कुछ नहीं तो एक्सीडेंट तो होगा कम से कम, जितने एक्सीडेंट को भी उसने जोड़ा नहीं. जितने भी इसमें ईसाई अगर घायल हो गए एक्सीडेंट में या कोई भी एक क्राइम में घायल हो गए, इसका एक ये बनाओ, लिस्ट बनाओ और इसको बोल दो कि क्राइम अगेंस्ट क्रिश्चियन, परसिक्यूशन अगेंस्ट क्रिश्चियन. सारे तो भारत के हर कोने कोने से इसने ये सारे इकट्ठा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसको अमेरिका भेज के, यूएन में लॉबी करके भारत का नाम खराब करने की पूरी कोशिश की और सफल भी हुआ. भारत का रैंकिंग था in places of concern for minorities, इसमें 28 position था भारत का, और इस आदमी के प्रयास से वो 10 नंबर तक ला सका हो. अभी अभी की बात है, 6-8 महीने पहले की बात है. और वो आदमी भाजपा में बहुत बड़े पद पर था, वहां बैठे हुए इसने ये काम किया. ऐसे मैं कई सारे नाम दे सकता हूँ, ऐसे है ना आसानी से आपको बताना. तो ये माइनॉरिटी मोर्चा है बीच में, मैं ना माइनॉरिटी मोर्चा में जितने भी ईसाई हैं, मुझे एक ईसाई नाम ऐसे बता दो जिसने सीएए का समर्थन किया हो और चर्च का खंडन किया हो, बताइए मुझे. है ना बड़े बड़े नेता जो फोटो आप करते हैं ना मोदी के सामने, हम भाजपा के साथ है, एक आदमी बाहर निकल के नहीं आया ये कहने के लिए कि हम बिशप का खंडन करते हैं इसलिए कि वो सीए का विरोध करे.
ना उन्होंने मुंह खोल के बोला कि हम खुल के ऐसी एक समर्थन करते हैं, क्यों? ये भाजपा में है, उससे पदाधिकारी है, फिर भी बोलते नहीं, क्यों? अब आप समझिए क्या क्या चाल है ये, और भाजपा को क्या पड़ी है कि इनको रखना अंदर, क्या पड़ी है? वाकई ये तो हैरत की बात है। भाजपा में तो सारा कचरा इकट्ठा हो गया है। और शिबू तामस से देखिए, इतना डेंजरस आदमी निकला, शिबू तामस से आदमी, भाजपा तो सोती रही नहीं। और उसके साथ अभी जो उदाहरण आया था, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो चीफ, हाँ जी, हो जी, चेयरमैन, हाँ ना, चेयरमैन, और किस तरह उसने पतंजलि के खिलाफ करीब 1500 केसेस, क्रिमिनल केसेस सारे देश में लगवा दिए, ताकि आयुर्वेद को तबाह करना है, आयुर्वेद को तबाह करना है, बाबा रामदेव को तबाह करना है, और 1500 अलग अलग देश के हिस्सों में। और बीजेपी सरकार ने एक्चुअली उस आईएमए चीफ को सपोर्ट किया, बाबा रामदेव को नहीं किया, पतंजलि को नहीं किया, हर्षवर्धन से माफी मंगवाई कि आपने क्यों बाबा रामदेव का क्लेम सपोर्ट किया कि कोविड का इलाज आयुर्वेद में है। यानी आयुर्वेद तक को प्रोसिक्यूशन करने का जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया भारत में, मुझे ये बताइए क्या आयुर्वेद के पीछे इसलिए हाथ धो के पड़े हैं क्योंकि इनके हॉस्पिटल्स कन्वर्जन फैक्ट्रीज हैं। अगर लोग आयुर्वेद की तरफ चले गए तो बीमार कम होंगे, बीमार कम बड़ा एजेंडा है, उससे आपकी बात सही है लेकिन बड़ा एजेंडा है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन एजेंडा बड़ा है, आप इतना छोटा मत सोचिए, एजेंडा इतना बड़ा है कि जो भी भारतीय ज्ञान है, अब देखिए आयुर्वेद मतलब छोटा नहीं है, बहुत बड़ा ज्ञान है, हजारों साल का ज्ञान है, और इतना बड़ा ज्ञान है कि अगर वो ज्ञान हमने सचमुच में लोगों को बता दिया तो एक ही दम पे एलोपैथिक टूस हो जाएगी, इनके सारे जो माफिया है ना, जो क्या बोलते हैं फार्मास्यूटिकल माफिया, टूस हो जाएंगे, एक पैसे की बात होगी। दूसरे, अगर भारत का ज्ञान बढ़ गया इसका मतलब चर्च छोटा हो गया, चर्च को बड़ा दिखना है तो भारत के ज्ञान को दबाना है, जो जो भी आपको भारत की श्रेष्ठता दिखेगी उसको तोड़ना है, एक आयुर्वेद है उसको तोड़ना है, एक कुटुंब व्यवस्था, आपने ये नहीं सोचा होगा कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, अभी अभी देखिए कई सालों तक इन्होंने राज किया, राज बनाया हमारे ऊपर मुगलों ने, और फिर भी भारत को तोड़ नहीं पाए, क्यों तोड़ नहीं पाए, क्योंकि हमारा क्या बोलते हैं सीक्रेसी, हमारे समाज का सीक्रेसी, हमारा राष्ट्र का सीक्रेसी ये है कि वो राजा पे निर्भर नहीं है, राजा चाहे कोई थोड़ा सा पागल भी हो तो चलेगा, लेकिन पूरा राष्ट्र निर्भर है कुटुंब के ऊपर, जहां तक हमारे कुटुंब सशक्त है वहां तक समाज सशक्त है, जहां तक समाज सशक्त है तब तक राष्ट्र सशक्त है, तो राष्ट्र को तोड़ने के लिए कुटुंब को तोड़ना जरूरी है। अब आप इस परिप्रेक्ष्य में अपने सीरियलों को देखिए, क्या क्या सीरियल आते हैं, इनका मकसद क्या है, तो अल्टीमेट एम क्या है? इस बात पे तो रॉबर्ट जी, मैं 1980 के दशक से इकलौती आवाज रही है जो कानून लाए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एंटी डाउरी लॉ, ये एनजीओज लाए हैं, एंटी रेप बिल, फ्ला ढिमका, जितने कानून, राइट टू एजुकेशन एक्ट, या खासकर परिवार को तोड़ने वाले जितने कानून आए हैं, ये फॉरेन फंडेड यानी क्रिश्चियन बैक्ड एनजीओ द्वारा लाए, करोड़ों रुपया देते हैं ये, एक एक एनजीओ को करोड़ों रुपया देते हैं, और मेरी पहले दिन से आई स्मेल्ट मिस्चिफ लुकिंग एट द लॉ दैट दे वर पुशिंग, एंड आई स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग राइट फ्रॉम द डेज ऑफ 1980s, जब एंटी डाउरी लॉ लाया गया, वाहियात लॉ है, बहुत पोअरली क्राफ्टेड है, परिवार को तोड़ने वाला है, उसमें दहेज को तोड़ने वाला नहीं है, परिवार को तोड़ने वाला है, परिवार को तोड़ना है, परिवार को तोड़ने वाला, इसी किस्म से जितने कानून आए, और ये बहुत ही अकेली लड़ाई थी कम से कम अब, पर दूसरा आज भी, अब ये जो एज ऑफ मैरिज लॉ लाया है, ये भी परिवार की आप बिल्कुल इम्पोर्टेंस खत्म करके इनकी सरकारी डंडे से समाज चलेगा, जो आप कह रहे थे, वही तो ना, मास्टर स्ट्रोक, ये देखिए हमारे लोगों को मास्टर स्ट्रोक देखिए, हाँ, और मोदी जी भी कैसे बाहर जाते हैं,
पूरा बीजेपी बदलाया हुआ है जाती इनके एक, और आज तक एक भी इस कानून का जो परिवार व्यवस्था को तोड़ रहा है, भाजपा ने, किसी नेता ने उसका विरोध आज तक नहीं सोचा ही किया। नहीं है। नहीं, अक्कल नहीं है तो क्या करें, अंदर अंदर कुछ होना चाहिए ना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ सोचेंगे तभी परिवार। तो कुछ बनेगा बात। अच्छा, ये अब पॉलिटिकल दूसरा, नैरेटिव में गए, मर गए हम, पॉलिटिकल नैरेटिव में खराब हो गया हम। ये पॉलिटिकल, आई मीन पॉलिटिकल करेक्टनेस, पॉलिटिकली करेक्ट बनना चाहते हैं बस, इनको देश की बड़ी नहीं है। एक और बात बताओ, ये अंबेडकर को अपनाने का, क्योंकि अंबेडकराइट बनाना इज लाइक हाफवे हाउस टू क्रिश्चियनिटी। जब भी कोई कहता है आई एम एन अंबेडकराइट, मुझे पता है कि इसका कन्वर्जन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये अंबेडकर को अपनाने की जो थी, कब शुरू हुई ये पॉलिटिकल नैरेटिव, हाउ डिड दैट स्टार्ट एमिनेट? अब देखिए ये कब से शुरू हुआ ये काम, जब देखिए 200 साल पहले इन्होंने जब राज संभाला यहाँ पे, इनको समझ में नहीं था। 200 साल या 150 साल सत्ता चलाने के बाद भी इनको समझ में नहीं आया इसका स्ट्रेंथ क्या है। फिर इन्होंने ढूंढना शुरू किया इनका स्ट्रेंथ कहाँ कहाँ है। इनका स्ट्रेंथ है, मैंने बताया, ये एक आयुर्वेद जैसे हमारे ज्ञान, कुटुंब जैसा हमारा जो पिल्लर बोलते हैं वो, और हमारे हीरो जितने भी है ना, हमारे क्या बोलते हैं कि रोल मॉडल समाज में ऐतिहासिक, जैसे कि चाणक्य। अभी चाणक्य को आप तोड़ नहीं पाओगे तो क्या करें, उसको समानांतर एक लाके समान कड़ा करो ताकि चाणक्य छोटा हो जाए। उसके लिए लाया अशोका को, ये अशोका की कहानी बात पता होगी आपको, जो संजीव सान्याल ने बताई है। तो आप अशोका को क्यों बताइए, कड़ा किया? बोलिए बोलिए, दोबारा बोलिए आप। नहीं, आप जानते हैं ना अशोक की मैं कहानी। जानती हूँ, बहुत से दर्शक नहीं जानते होंगे ना। हाँ जी, देखिए अभी 100 साल हो गए, अभी आप कब से पूछ रहे हैं ना, 100 साल पहले शुरू किया इन्होंने, 1920 में शुरू किया। अब 2021 में 101 साल हो गए, तब से इनको ऐसे लगा कि हमें ऐसे ऐसे थोड़े रोल मॉडल चाहिए ताकि हमारे नैरेटिव को फिट हो, और साथ ही जो भी हमारे बड़े 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 जैसे कि श्री राम श्री कृष्ण को ये छोटा नहीं कर सके, लेकिन चाणक्य को छोटा कर सकते हैं ना, इसलिए अशोका को ढूंढ के लाए। और अशोक के बड़ा बड़ा वो मैनिपुलेशन नहीं किया, छोटा सा थोड़ा सा इधर उधर करके उसको हीरो बना दिया। अब देखिए अशोक का बोलते हैं कि ये बहुत अपने जो परिवार के लोग उनको ही मार के वो सत्ता में आया। हालांकि वो ये नहीं था, राजा बनने वाला नहीं था, बिंदुसारा का ये हक से बनने वाला नहीं था। जो हक से बनने वाला उसको मार के ये सत्ता में आया। आने के बाद इसने हिंसा ही हिंसा की पूरे जिंदगी भर में। और एक जगह पे एक कलिंगा, आज का ओडिशा है, कलिंगा वार के बाद उसने लिखा कि मेरे को ये खून खराबा देख के बहुत ही क्या बोलते हैं ये हुआ, मन पिघला गया कि नहीं होना चाहिए था। अब संजीव सान्याल रिसर्च करने के बाद ये बोलते हैं कि उन्होंने लिखा तो सही है, मेरा मन पिघल गया, मेरा बहुत दुख हुआ, लेकिन वहां पे उसी पेज में वो आगे लिखते हैं अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा करूंगा, तो उसको छुपा दिया। मेरा मन दुख हुआ सही है, लेकिन जरूरत पड़े दोबारा करूंगा, इसको छुपा दिया। और ये एक छोटा एक झूठ ऐसे बतलाया कि वो दुख के कारण कलिंगा युद्ध के बाद वो बौद्ध बन गया, और अपने आप को पूरा क्या बोलते हैं बहुत अच्छा इंसान हो गया। वो बौद्ध बन गया सही है, लेकिन युद्ध से पहले बौद्ध बन गया, बात नहीं। जब इसने युद्ध किया तभी वो बौद्ध था, इसका मतलब उसको मन परिवर्तन को के बदल नहीं गया। वो एक झूठ डाल के उसने उधर बराबर किया। और बोलते कि कलिंगा अभी देखिए बहुत बड़ा एम्परर। अरे बहुत बड़ा एम्परर कौन होता है, जो अपना एम्परर को संभाल नहीं पाया, उसको मुफ्त में मिला एम्पायर, मरने से पहले उन्हें पूरा खो दिया, सारा एम्पायर उसने खो दिया, अंत अंत हो गया उसका। और किसके हाथ में हो गया, उसी कलिंगा के हाथ में इसका पूरा अंत हो गया। फिर भी ये महान राजा है, ये कैसे महान राजा है, इसको बड़ा क्यों बना दिया? इसलिए बना दिया कि इसके जितने भी छोटे कैरेक्टर्स थे वो चाचा नेहरू को फिट होते हैं बिल्कुल। अब एक उदाहरण के लिए बता दो, अब चाणक्य का मानना था कि राजा का काम प्रजा के पर्सनल अफेयर्स जो होते हैं ना, जो जो भी है उसमें दखल अंदाजी नहीं करना, प्रजा को अपने आप छोड़ना चाहिए, बड़े बड़े मुद्दों पर राजा अपना काम करे, बस लोगों को अपने हिसाब से छोड़े। अशोका ये कहता है कि हर चीज में दखल अंदाज करना चाहिए लोगों को, हमने उंगली करती रहनी है, लोगों को क्या शांति से बैठना नहीं चाहिए, ये अशोका का है।
ये चाचा नेहरू को बिल्कुल बिल्कुल फिट बनता है। तो ऐसे एक कैरेक्टर बना के फिर अगर हमने किया तो अरे अशोका ने किया था इसलिए हमने भी किया, तो उसको अप्रोप्रिएट कर सकते हैं ना। ये देखिए स्टूडेंट कब से शुरू हो गए, हम हमारे पास आज क्या है, अशोक का चक्र है और क्या क्या अशोक का है, ये अशोक का चाणक्य का कुछ भी नहीं है। सही कह रहे हो, बहुत सही आपने एनालिसिस किया। अच्छा आपने कहा ना कि सारी इंस्टीट्यूशंस में इनका कब्जा है और एक झटके में मोदी सरकार को गिरा सकते हैं, और खासकर सुप्रीम कोर्ट में जो या हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में उसका उदाहरण बहुत साफ है। कोई भी चर्च फंडेड चर्च बैक्ड एनजीओ पीआईएल लेके जाता है किसी भी मुद्दे पे, चाहे वो टेररिस्ट के माओइस्ट के फेवर में हो चाहे किसी भी पागल से इशू पे, तो सुप्रीम कोर्ट फास्ट ट्रैक में ऐसे ले आती है तुरंत। हाँ जी बिल्कुल, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो ड्रैग करे, नहीं तो आम पिटिशंस 30-30 साल ड्रैग करती हैं, परंतु इंदिरा जयसिंह कोई पिटिशन ले जाए, वृंदा ग्रोवर, ये जो सारे फॉरेन फंडेड एनजीओ हैं, इनकी भागती है। दूसरा तो ये जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी सेटिंग है, ये तो बार बार हमने देखा। दूसरा जो मैंने सुना है, टेल मी ये सही है, बहुत विश्वस्त सूत्रों से, कि सोनिया गांधी जी के समय यूपीए के समय में तो उनकी तरफ से कोई सीनियर व्यक्ति और चर्च से भी जुड़े हुए हर महीने हर सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज के पास एक बार जरूर पहुंचते थे कि मैम जानना चाहती है, मैडम जानना चाहती है कि कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो हमें बताइए। तो जाहिर है किसी ना किसी जज का उसको कोई बेटा भेजना है स्टैनफोर्ड, या उसको कोई ऐसा ना काम है, तो वो फिक्सिंग करना, ये तो। दूसरा एनजीओ ने कितने सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस को इंटरनेशनल सेलिब्रिटी सर्किट में घुमाया, उनके खर्चे पे जाते, उनके खर्चे पे लेक्चर दे रहे, which is absolutely outrageous। अगर प्रधानमंत्री किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को बुलाए और कहे कि ये मेरी बात सुनो, तो वो बवाल मच जाएगा जैसे इलेक्शन कमिश्नर पर। ये छोटे मोटे, ये इंदिरा जयसिंह के एनजीओ वगैरह टीस्टा सेटलवाड़ के, ये तो जजेस को जहां मर्जी फाइव स्टार जेट सेटिंग के लिए ले जाते रहे, किसी ने नहीं किया। तो ये सेटिंग देखिए कितनी बढ़िया ऐसी है कि मोदी सरकार कुछ भी करती है और डांट फटकार पड़ जाती है। तो जजेस एकदम चाबुक चला देते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कई सारे देखे, वेस्ट बंगाल का उदाहरण देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल चुप है, लेकिन यूपी में एक 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 घटना हो गई तो सुप्रीम कोर्ट में तो कॉग्निजेंस ले लिया, एक घटना पे कॉग्निजेंस लिया, इसमें स्वयं प्रेरित मैं बोल रहा हूँ, स्वयं प्रेरित कॉग्निजेंस लिया यूपी की एक घटना में, लेकिन वेस्ट बंगाल में इतना हुआ सुप्रीम कोर्ट तो बस अपने अपने में इसमें मनमानी में, फर्क देख सकते ना आप, यहां तक देख सकते कि एक जोसेफ नाम का कोई एक सुप्रीम कोर्ट का जज था, तो एक 2-4 साल पहले की बात है कि एक गुड फ्राइडे के दिन कुछ एक कार्यक्रम रखा था केंद्र सरकार ने, खुलेआम बोला कि वो गुड फ्राइडे दिन रखा, मेरा छुट्टी है मैं काम नहीं कर पाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जज बोलता है। तो उसको ये पता होना चाहिए था कि जब वो ड्यूटी में ज्वाइन हुआ तो उसको पता होना चाहिए था कि संडे मंडे कुछ नहीं होता ड्यूटी के लिए, ड्यूटी के लिए ना छुट्टी होती है ना त्योहार होता है, ड्यूटी के बाद अगर अगर कोई एक ईसाई पुलिस ऑफिसर कल बोले कि संडे के दिन कोई रायट होता है तो संडे मेरे लिए पवित्र है मैं काम नहीं कर सकता संडे के दिन, तो रायट होने दो, अगर बोलेगा कोई पुलिस ऑफिसर ईसाई तो कैसे होगा उसको, वो पहले अधिकारी है बाद में ईसाई या हिंदू या मुसलमान। तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये बयान दिया और हमारे मीडिया में कुछ ये नहीं हुआ, हंगामा नहीं हुआ, वो कैसे बोल सकते ऐसी बात। और दूसरा मदर टेरेसा जो कि एक कन्वर्जन फैक्ट्री चलाती थी, लिटरली बच्चे पिकअप करके उनको बेचा जाता था, भेजा जाता था क्रिश्चियन कपल्स के पास विदेशों में भी, उनको भारत रत्न कैसे दिलवाया होगा। अब ये देखिए
भारत रत्न दिलवाया फिर भी ठीक है मेरे लिए, लेकिन आज जो पॉलिटिकल ब्रांड बनाया ना उसको, वो दिक्कतदायक है। आज आज के दिन, क्यों आज के दिन भारत रत्न, आज के दिन मदर तेरेसा इज अ पॉलिटिकल ब्रांड, और बीजेपी काउंटर नहीं कर पा रही है उसको। मैं बताता हूँ, पूरी कहानी बता दूं इसके पीछे की। आपने जिक्र किया मदर तेरेसा का, तो बोलना पड़ेगा ही। अब देखिए मदर तेरेसा ने क्या किया, सबसे बड़ा सेवा किया, सबसे बड़ा सेवा किया, मानवता का सेवा किया। तो ना कोई हिंदू कर पाया, ना कोई संस्था कर पाई, तो इतना बड़ा सेवा किया, तो ये नैरेटिव है। अब क्या सेवा की, कुष्ठ रोगियों की, भिखारियों की सेवा की। अब आप इतिहास में थोड़ा सा जाके देखिए, ये भारत के कुष्ठ रोगियों के देश है क्या, भिखारियों का देश है क्या? ना भिखारियों का देश था, ना कुष्ठ रोगियों के देश था। ये 200 साल पहले खुद एक अंग्रेज का अफसर लिखता है, मैं तो पूरा भारतवर्ष का दौरा करके आया हूं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मैंने एक भी भिखारी रास्ते पे नहीं देखा। तो एक भी भिखारी रास्ते में नहीं था, उस हालात से भिखारी ही भिखारी भरे पड़े हमारे रास्तों में। वो स्थिति किसने लाई? वो अंग्रेजों ने लाई। जब अंग्रेजों ने लाई, हम नहीं बोलते कि ईसाई अंग्रेजों ने लाई, जब ये स्थिति पैदा की तो अंग्रेज थे। अब सेवा करती है तो वो ईसाई है। ये बंगाल फेमिन, सबसे बड़ा फेमिन जो कृतक है, नाइज फेमिन नहीं है, वो किसने किया? अंग्रेजों ने किया, ताकि इतने पूरा लूट मार करके जितने भी खाने की चीजें थे, तो लोगों को भूखे पेट मरने मरने के लिए मजबूर किया। 20 मिलियन, 2 करोड़ लोग भूख के मारे मर गए, बाकी सारे 3 करोड़ कुपोषण। शायद। हाँ, क्या बड़ी संख्या, मतलब छोटा मोटा नहीं, हजारों में नहीं है, करोड़ों में। और उससे भी बढ़कर आबादी कुपोषण को शिकार होकर बीमार हो गई या भिखारी हो गई। अगर ये हाल ईसाइयों ने किया, अब आप देखिए उसी यूरोप के उसी प्रांत से उसी मजहब ईसाई मजहब का उसी सफेद चमड़े की एक औरत आती है और सेवा करने लगती है। अब आप ये घटना, आप दोनों घटना सामने रखिए, एक साथ दिखाइए कि ईसाइयों ने ऐसा ऐसा काम किया कि लोगों को भिखारी बनाया, और एक महिला ने आके उनका सेवा किया, तो कैसे लगता है आपको? सेवा लगता है कि प्रायश्चित लगता है? छोटा सा प्रायश्चित लगता है, बहुत छोटा सा, नहीं, बस जबकि सेवा करोड़ों ही लोग। तो कन्वर्जन के लिए किया ना। नहीं, वो तो कन्वर्शन की अलग बात है, अगर सेवा ही मान ले आप, कन्वर्शन की बात छोड़िए, आप अगर सेवा ही मान ले एक पल के लिए, फिर भी वो सेवा हो सकती है क्या? वो तो प्रायश्चित होता है कि नहीं? 2 करोड़ लोगों को आपने भूखे भूख की वजह से मारा, और उसमें से हजारों लोगों की आपने चिकित्सा की, मतलब गांव करने वाले लोग भी आप ही हैं, मरहम लगाने वाले लोग भी आप ही हैं। जब गांव करने वाले की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मरहम लगाने वाला बहुत बड़ा सेवा बनता है, तो साथ में दिखाइए दोनों को, तो लोग तय करेंगे सेवा है क्या, प्रायश्चित है? प्रायश्चित है ना सबसे बड़ा। सही बात है। अच्छा, ये एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी तो बहुत उदार दिल हैं क्रिश्चियंस के प्रति, बिल्कुल, उसके बावजूद भी क्यों इतनी नफरत करते हैं उनसे? नहीं, नफरत तो करना ही पड़ेगा। आपके लिए मैं एक उदाहरण दूं, मैंने एक बचपन में स्कूल में एक पढ़ा था कि एक बकरे का बच्चा और एक वुल्फ, वुल्फ बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, भेड़िया, 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 भेड़िया। और इसकी इसकी कहानी मैंने बचपन में स्कूल में पढ़ी। एक बकरे का बच्चा पानी पीने आया था एक तालाब के किनारे, तो एक भेड़िया वहां पे इसको खाने का अंदाज में था, तो इसके बीच में एक डायलॉग चलता है दोनों के बीच में। अब भेड़िया उसको बकरी को बोलता है कि यार मेरा पीने का पानी है, कौन है उधर खराब कर रहा है, मेरा पीने का पानी कौन खराब कर रहा है? तो बकरे का बच्चा बोलता है कि मैं तो अपने लिए पानी पी के जाऊंगा, आपका पानी खराब नहीं करता हूं मैं अपने पानी पी के जाऊंगा। तो थोड़ा सा सामने आता है भेड़िया और बोलता है कि हाँ तुम हो क्या, तुमने मेरे को परसों बहुत गालियां दी थी, बहुत गालियां दी थी, और मेरा क्या डिफामेशन किया था, मेरा मरिया। तो बोलता है ना ना, मैंने तो पहली बार देखा आपको, आपका कभी देखा नहीं है, पहली बार देखा। हाँ, तो बोलता है भेड़िया बोलता है कि हाँ तो तुम्हारे बाप ने मेरे को गाली दी थी, अब याद आ गया, तुम्हारा बाप ने मेरे को गाली दी थी, इसलिए वो उसके ऊपर कूद के
बकरे के बच्चे को खा लेता है। अब ये संभाषण आप देख लीजिए, क्या उसने बकरे के बच्चे को क्यों खाया? क्योंकि उसने गाली दी इसलिए खाया, या उसने पानी गर्म इसलिए खाया? नहीं, उसको खाने का उसका मकसद है। अब ये डायलॉग है कि पॉलिटिकल डायलॉग है, ये दिस इज पॉलिटिकल नैरेटिव। अब जो डायलॉग उनके बीच में आया संभाषण, ये तो पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसको आप उसमें कंपेयर करोगे तो रीजन नहीं निकलेगा। उसका मकसद क्या है? बेड़ी का मकसद ये है कि बकरी को खाना। अब चर्च मोदी को वाह वाह बोलने लगी, वाह 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 वाह, अब तो महान है बोलेंगे, तो यार कैसे होगा? ये खा कैसे पाएंगे बेड़ी को, ये बकरी के बच्चे को? उसको तो खाना ही है ना, तो गाली तो देना पड़ेगा। पर मोदी ने तो खुला छोड़ रखा है उन्हें, जो मर्जी करो। फिर भी फिर अरे भेड़, ये अपने बकरे बकरे के बच्चों ने कौन सा ये लगाम लगाया भेड़ियों के ऊपर? बकरे के बच्चे भी ऐसे है ना, कुछ भेड़ियों के ऊपर कुछ लगाम नहीं लगाया ना, फिर भी आके वो बकरे को खाते रहता है, क्यों खाते रहता है? तो आपको लगता है कि सोनिया जी का यूपीए के इफेक्टिव हेड के रूप में लाना भी चर्च का बहुत बड़ा रोल रहा होगा? बिल्कुल, ये तो ओपन सीक्रेट है। मैं यही बोलता हूँ ना, अभी 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 देखिए, सब बोलते हैं कि मनमोहन सिंह तो कठपुतली था, वो सब मानते हैं, कांग्रेसी भी मानते हैं कि मनमोहन सिंह कठपुतली था। बिल्कुल, किसके हाथ में कठपुतली था? एक औरत के हाथ में कठपुतली था। मैं जरा एक कदम आगे जाके पूछता हूँ, क्या वो खुद अपना निर्णय लेती कि वो भी किसी हाथ के कठपुतली थी? ये हमने सोचना चाहिए ना। जैसा मनमोहन सिंह उसके हाथ में कठपुतली था, तो वो किसी और एक इंसान या एक सिस्टम के कठपुतली थी, तो वो सिस्टम कौन है? वो तो चर्च है। बिल्कुल, क्या वो अपनी खुद की दिमाग लगा, आपको क्या लगता है वो खुद की दिमाग है उसका, या खुद की कैपेसिटी है उसका? औरत को इतना दिमाग होगा? किसी और के हाथ में कठपुतली थी, तो मतलब बॉस कौन था? बॉस ऑफ द चर्च। तो इसको है ना, कई सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। सुब्रमण्य स्वामी ने तो कई बार बोल दिया है कि खुलेआम कि कैसे इसको ये परिवार में लाया गया, कैसे इसको इम्प्लांट कर, मैंने बोला ना अभी संस्था में इसको जैसे कि घुसपैठ होते हैं, तो एक परिवार के अंदर भी घुसपैठ होगी, इम्प्लांट किया। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी इम्प्लांट होती है, पॉलिटिक्स में इम्प्लांट, वैसे एक सबसे बड़ा परिवार है उसमें इम्प्लांट करेंगे तो बस अपना काम चल जाएगा। तो हम सोचते हैं कि जजेस का कोलिजियम डिसाइड करता है, आपको लगता है ये चर्च से अप्रूवल होता है किसको जज बनाना है नहीं बनाना, वो वीटो कर दे तो आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा अपॉइंटमेंट का कोई सिलसिला है? नहीं, सीधा तो दिखता नहीं है, लेकिन जो भी इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो काम होता है, वही बताऊं, जो भी इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम होता है उसके पीछे जरूर चर्च का दिमाग है। बिना चर्च के दिमाग के ये होता नहीं है ये काम, कोई एक आदमी ये काम नहीं कर सकता, एक संगठन चाहिए, और वो भी ऐसा संगठन जो पूरा पूरा दुनिया में इसका कनेक्ट हो। अब देखिए कौन सा संस्था ना, अब आरएसएस की आप बात करेंगे तो वो भारत के अंदर ही, भारत के बाहर तो कोई रिलेवेंस नहीं है आरएसएस की, पूरे दुनिया में, सारे दुनिया में हर कोने कोने में अपना प्रेजेंस होने वाला कौन है एजेंसी? एक यूनिवर्सल चर्च बोलते हैं ना चर्च को, और एक नाम है कि यूनिवर्सल चर्च। यूनिवर्सल चर्च इज ओनली एजेंसी थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में काम कर सकती है, उसका इंटरनेशनल क्लाउड है, अकल है, सब कुछ है, और आपका इन्फिल्ट्रेशन है, आसान है काम करना। वो सही बात कह रहे हैं, पर अब जिस तरह के कन्वर्जन्स हो रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, हम देखते हैं कि लुम्पनाइज्ड यूथ को ये इकट्ठा कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड, लुम्पनाइज्ड, मैल एजुकेटेड। कोई पढ़े लिखे लोग क्रिश्चियनिटी की ओर क्या जा रहे हैं कि केवल जो बिल्कुल ही जो सोशल ड्रॉप आउट भी कह सकते हैं, उनको वैसे नौकरी नहीं मिल सकती, चर्च कहता हम दिलवा देंगे, और नहीं ऑटो दिलवा देंगे, मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे, कोई ना कोई बिजनेस सेटअप करने में मदद कर देंगे, तो लुम्पन यूथ बहुत भारी मात्रा में दिख रहा है, जैसे ये शिविर करते हैं कन्वर्जन के, तो इनका जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस हैं और रोमन कैथोलिक चर्च है, इनके आपस में क्या रिश्ते रहे हैं? नहीं, रिश्ते तो अच्छे नहीं है। आपने तो दो ही नाम लिया, ऐसे तो सौ 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 के ऊपर है, 100-200 ग्रुप्स हैं,
और आपस में इतने लड़ते हैं कि एक एक दूसरे का गला पकड़ते हैं या गला काटने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ऐसे ऐसे मुद्दे आते हैं जो हिंदू से लड़ना है, तब सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और इसका नेतृत्व तो कैथलिक चर्च करता है। कैथलिक चर्च सामने रख के बोलता है कि ना ना, हमने आपस में नहीं लड़ना है, हमने तो हिंदुओं से लड़ना है। सो दैट्स द बिग अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, क्या? तो ये वायर अट्रैक्टिंग लुम्पन यूथ, नॉट रियली वेल अरे एजुकेटेड। लंबा, आपको आपको कोई एसेंस वाला आदमी, अकल वाला आदमी नहीं मिलता है तो क्या करें? जो मिल रहा वही सही है, कोई ना कोई मिल रहा है ना। खाली हाथों बैठने से अच्छा ये मिल जाए, कुछ ना कुछ काम चल जाएगा। अच्छा एक लास्ट सवाल है बिफोर वी टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, वो ये कि मैंने जो पाया और काफी करीब से देखा कि ये जो नंस होती हैं केरला से या झारखंड से या गरीब परिवारों से, आजकल कई दशकों से, पिछले 2-3 दशकों से बहुत भारी पैमाने पे ये विदेशों में भेजी जा रही हैं। सिर्फ वहां ये नहीं कि चर्च के स्कूल्स खुलाने के लिए, एज डोमेस्टिक लेबर, एज हॉस्पिटल वर्कर्स, मतलब, और बहुत सी, जैसे मेरे ही घर में एक काम करती थी, उसकी बहन भेजी गई थी इटली में। तो मैंने पूछा वो क्या करती है, वो बीए पास थी। तो जो वहां पे ओल्ड एज वाले सोशल सिक्योरिटी या सोशल सरकारी सपोर्ट पे जो कपल्स रहते हैं, उनके घरों में जाके एज डोमेस्टिक हेल्प काम करना, उनकी सेवा करना, तो इस बड़े पैमाने पर ये अनपेड लेबर, क्योंकि जो जाती है नंस बनके, इनको तो कोई पगार नहीं मिलती, कोई तनख्वाह नहीं मिलती, सिर्फ मतलब उनके फिजिकल नीड्स, खाना पीना कपड़ा, थोड़ा बहुत छोटा सा अलाउंस मिल गया। सो दिस इज अनपेड बॉन्डेड लेबर। और मुझे याद है कि मैंने जब उससे पूछा कि जब कुछ मिल नहीं रहा, पढ़ी लिखी है, व्हाई डजंट शी लीव, और यहाँ के तो अच्छी टीचर की नौकरी कर सकेगी, तो बोले नहीं, अगर उसने छोड़ा, मान लिए अगर छोड़ा चर्च, तो हम सारे परिवार का गांव में रहना असंभव हो जाएगा, हमारी इतनी जान खतरे में पड़ जाएगी, तो हमारी सेफ्टी के लिए वो वहां पे बिल्कुल बंदी बन के बैठी हुई है। क्या ये सच है ये डिस्क्रिप्शन? हो सकता है 100% सच है कि जैसे, अरे यहाँ जितना फॉरवर्ड एरिया है मैंगलोर, यहाँ पे मैंने ऐसे देखा, तो फिर बैकवर्ड एरिया में होगा ही होगा। और ये ऐसा क्लाउट है ना, ये कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ऐसे साइकोलॉजिकल, ये डराएंगे नहीं, सीधा नहीं डराएंगे, ऐसे साइकोलॉजिकल फियर डाल देंगे, भगवान से लेकर, हेल से लेकर, हेवन से लेकर, सारे जितने भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं वो डाल देंगे, और सोशल बॉयकॉट का डर लगा देंगे, और मारपीट की बात नहीं करेंगे, मारेंगे पीटेंगे ऐसे नहीं करेंगे, तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। अच्छा ये जो बॉन्डेड लेबर ना हुए, एक बार आप नन बन गए, फिर ना आपको पगार है ना कुछ है, और आप अनपेड लेबर के रूप में जहां चर्च चाहे आपसे वो काम करवाए, चलिए किसी को टीचिंग में डाला तो फिर भी मान बात बनती है, बट अक्सर बहुत मीनियल कामों में भी डाल देते हैं, खासकर जिनको विदेश भेजते हैं, दे आर एट द बॉटम रंग्स एंड गेट नो मनी व्हाटसोएवर। तो वैसे चर्च बॉन्डेड लेबर के कैंपेन चलाती है हिंदुस्तान में, रेस्क्यू, वो सत्यार्थी जी को नोबेल भी दिलाया है, क्योंकि वो बच्चे सप्लाई करता है चर्च को पकड़ के, यू नो ही इज प्रोवाइडिंग हेल्प टू देम टू रीच टू चिल्ड्रन जो वो निकलवाते हैं फिर उनके साथ। तो एक तरफ तो ये हमारे देश में तथाकथित बॉन्डेड लेबर को छुड़वाने का काम करते हैं, पर चर्च सीम्स टू बी एक्चुअली होल्डिंग द लार्जेस्ट बैच ऑफ ब्रिगेड ऑफ बॉन्डेड लेबरर्स, अनपेड, मेड टू डू स्वेट वर्क, वुड यू अग्री, स्पेशली इन फॉरेन कंट्रीज? नॉट ओनली एग्री, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग मोर। आपने सिर्फ ये बॉन्डेड लेबर की बात की, I would say nunnery is made as the very inception. इनके inception के पीछे ये idea था कि ये इनको पादरी बिशप लोगों के लिए sex slave बने। So they are इसलिए तो बनाया sex slave। हाँ जी, हाँ जी। अब ये तो बिशप फ्रांको की केस देखिए आप, बिशप फ्रांको मुलक्कल जो जलंधर का बिशप है, जो केरल में आके रेप करके जाता था,
दो साल में 13 बार उसने रेप किया, 2 साल के अंदर, मतलब एक दिन रेप नहीं हुआ ये, वो इतने हिम्मत ये कैसे किया कि जब बुला तो आना चाहिए, यू आर मेंट फॉर दैट, यू आर सेक्सलेस, यू कैनॉट रिफ्यूज, अगर रिफ्यूज करती है तो इसका मतलब आप जज के खिलाफ जाती हो, भगवान के खिलाफ जाती हो, ऐसा है। और कितनी कितनी लड़कियों ने, कितनी नंस ने सुसाइड भी की, बहुत और... नहीं तो इन्होंने मारा भी, सुसाइड भी किया, ये मर्डर भी करते हैं, बाकी सारों को गोलियां पिला के साइकेट्रिक दवा दे के वैसे भी करते हैं, ऐसे कई सारी चीजें हैं, कंप्लीटली ये है ना ये। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। दीपक कुमार का सवाल है, देखते हैं, व्हाई हेट्रेड इज यूज्ड एज अ टूल फॉर कन्वर्सेशन, नहीं जी कन्वर्जन। दीपक, हेट्रेड नहीं करवाएंगे आपको अपने धर्म के प्रति तो क्या प्यार कराएंगे? प्यार कराएंगे तो कोई अपना धर्म छोड़ेगा? So that's clear, obvious. जी पल्लव जोशी, would you like to answer this, Robert जी? ना देखिए, अपना असली है, अपना भगवान असली है, अपना स्वर्ग असली है, अपना नरक भी असली है, ये दिखाने के लिए बाकियों के नकली बताना ही पड़ेगा ना। अब देखिए, मेरा मेरा दूध का पैकेट असली है, आपका दूध का पैकेट नकली है, बोलना पड़ेगा ना। नहीं तो सिर्फ अगर मेरा असली बोलूंगा तो आप बोल सकते कि मेरा भी असली होगा पैकेट, ना ना आपका नकली है, मेरा असली है, इसलिए मेरा अच्छा है, मेरा ले लो। अच्छा, पल्लव जोशी कह रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स आर वर्किंग ऑन प्रोपेगेंडा ऑफ कन्वर्जन, डिस्पाइट दिस व्हाई पेरेंट्स आर रेडी टू गिव हेफ्टी डोनेशंस एटसेट्रा। ये मजबूरी सच में, पर मुझे लग रहा है अगले 20-25 साल में ये जो कॉन्वेंट एजुकेटेड ब्राइड्स, कॉन्वेंट एजुकेशन, ये आउट ऑफ फैशन जाने वाली है। व्हाट डू यू थिंक रॉबर्ट, इज इट लाइकली? जाना चाहिए, ये होने वाली, आप भविष्य बोल रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि अनिवार्य है, होना ही चाहिए, अगर नहीं हुआ ना तो ये इस देश का कोई भविष्य नहीं है, अगर नहीं हुआ तो। यू नो दैट चर्च इज द बिगेस्ट लैंड होल्डर, वन ऑफ द बिगेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिगेस्ट लैंड होल्डर, अर्बन अर्बन लैंड होल्डर, मैं फार्म लैंड की बात नहीं कर रहा, अर्बन लैंड होल्डर। मालूम है आपको बेंगलुरु सिटी, बेंगलुरु सिटी में चर्च का लैंड कितना मालूम है आपको? अर्बन लैंड पूरा इसके क्या म्युनिसिपैलिटी के अंदर आने वाला लैंड में 30% ऑफ द अर्बन लैंड इज विद द चर्च एंड अनदर 30% इज विद द डिफेंस, 60% हो गया, बाकी 40% इज विद द जनरल पब्लिक, 30% विद द चर्च, 30% विद द डिफेंस, दिस इज द एक्सटेंट इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु। एंड यू मुंबई, यू नो द लैंड कॉस्ट ऑफ लैंड इन मुंबई, नो मुंबई सिटी, One inch of land in Mumbai is costing, जितना सोना भी उतना महंगा नहीं, उससे भी ज्यादा महंगा है, एक सोने की सिक्का है ना, उससे ज्यादा वहां पे जगह महंगी है मुंबई, वहां पर इन द सिटी ऑफ मुंबई एकर्स एंड एकर्स ऑफ लैंड चर्चेस, आई मीन एकर्स, 50 एकड़ एक ही जगह पे, चौंकाने वाला बात नहीं है ये। हर शहर में प्राइम लैंड चर्च को मिला हुआ है, और ये 99 ईयर लीज पे था, वो लीज का पीरियड सारा लीज पे नहीं है, कई सारा ओनरशिप का है, कई सारा लीज का है, कई सारा हड़प्पा हुआ है, कई सारों का रिकॉर्ड भी नहीं है, ना लीज का है ना खुद का है। मैंगलोर में मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, ना कुछ ओरिजिनल टाइटल ही नहीं है, ऐसा भी है, वो उसको छू नहीं सकते सरकार, सरकार चू नहीं, नहीं चूने का दम नहीं ना सरकार में, वहां डेवलपमेंट के ऊपर डेवलपमेंट होता रहता है, असली टाइटल नहीं है, डेवलपमेंट होता है, फ्लैट्स बनाते हैं, बेचते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ओरिजिनल टाइटल नहीं है, और सरकार को चूने का दम नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और जो कम से कम जो 99 ईयर ओल्ड लीज का था वो भी कैंसिल हो सकती थी, किसी कैंसिल नहीं, 99 हो गया, कैंसिल की बात मत करने की जरूरत नहीं, 99 हो गए तो कम से कम ले लो वापस, वो भी नहीं लेते, नहीं ले रहे, यही कह रही हूँ मैं, वो तो खत्म नहीं ले रहे, 99 ईयर खत्म हो गए, 10-20 साल हो गए कई जगह पे, फिर भी क्लेम नहीं करती सरकार, क्लेम नहीं कर रही सरकार, और किसी की हिम्मत नहीं है इस इशू को उठाने की भी, हालांकि प्राइम लैंड पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, अगर ये बात करना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं करना चाहता, बात तो ये पॉलिटिकल करेक्टनेस की बात है, नहीं तो बहुत आसान है कि आप यू हैव द फर्स्ट राइट टू बाय, आप खरीद लीजिए मार्केट वैल्यू पे, अगर नहीं 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 क्यों खरीदने के लिए भी ऑफर क्यों करें, आपका लीज खत्म हो गया, बस चुटकी चाहिए, सरकार को अपना काम के लिए चाहिए जगह, बिल्कुल सही।
आई होप व्यूअर्स विल टेक अप दिस. ये लीज कैंसिल होनी चाहिए. अब लीज खत्म हो गई, वो लैंड वापस आने चाहिए, मिलना चाहिए. बिल्कुल होने चाहिए. पल्लव जोशी और क्या है अंकित इनो दादा, जीसस ओनली एन इमेजिनरी कैरेक्टर. ये सही है जो जीसस की हिस्टोरिसिटी पे भी शक उठाए जा रहे हैं. आप गलत गलत आदमी से सवाल पूछ रहे हैं. किससे पूछो, आपसे नहीं तो आई थिंक यू द राइट. मेरे से ये सवाल पूछना, आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं, किसी और से पूछना पड़ेगा ये सवाल. आप अपने को गलत क्यों कह रहे हो रब? नहीं, अपने को गलत नहीं कह रहा हूँ, ये सवाल मेरे लिए क्या मुश्किलें खड़ा करने वाला है. ओके चलिए, यू आर राइट. बट एनीवे ग्लोबली ये सवाल उठ रहे हैं और ये चर्च एस्केप नहीं कर सकती इन सवालों से. व्हाट डू यू थिंक? सही है, ग्लोबली ग्लोबली. लेकिन चर्च आप देखिए, आप तो मैंने तो शुरुआत में ही कहा कि ये फेक नैरेटिव कहां तक, किस हद तक बना सकती है चर्च. मैंने आपको जिक्र भी किया कि विदाउट यू ने मॉल और माउंटेन बना सकती है, कई सारे बनाए हैं. मॉल मॉल की भी जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी माउंटेन बना सकते हैं. ऐसे तो कई सारे हैं, कई सारे आपने यहाँ की क्या बोलते हैं. आप ये देखिए, एक उदाहरण देता हूं आपको. अब चेन्नई में सेंट थॉमस अपोस्टल, अब अपोस्टल बोलते हैं तो जीसस के 12 शिष्य थे, सिर्फ उनका अपोस्टल बोला जाता है 12 शिष्यों को. उनमें से एक सेंट थॉमस भारत आया था और भारत के तब के मद्रास, अब तो चेन्नई हो गया, मैलापुर में जब वो धर्म प्रचार में लगे थे तो एक हिंदू ब्राह्मण ने एक स्पेड से उसकी हत्या की और वो शहीद हो गया. वहीं पे उसी जगह पे चर्च बांधी इन लोगों ने और उसको संतों में, आज भी संतों में नाम से जाना जाता है, सेंट थॉमस. इससे बहुत बड़ी जगह है. अब देखिए, हिस्टोरिकल एविडेंस तो नहीं है वो आने के लिए, कई हिस्टोरियन बोलते थे कि वो आया नहीं है. अब 2006-07 में खुद पोप बेनेडिक्ट 16 में ओपन भाषण में कहा कि सेंट थॉमस नेवर वेंट टू इंडिया. पोप नहीं कहा. अब मुझे बताइए, अगर सेंट थॉमस का ये किसको इसने दफन किया यहाँ पे, सेंट थॉमस तो आया नहीं था. तो ये हिंदू ब्राह्मण ने, ये भी देखिए इनको ये भी मालूम है कि हत्यारा कौन है, हत्यारा का जात भी मालूम है, मर्डर वेपन भी मालूम है, मर्डर की जगह भी मालूम है, और मरने वाला जो आया ही नहीं भारत को वो भी. इतना परफेक्ट कहानी बना सकती है चर्च और वो कहानी बिक रही है कोई सवालों के बिना. सेंट थॉमस को ब्राह्मण ने मारा, अब उसको मिट्टी बेचते हैं यहाँ पे. नहीं, आप कंप्लीट कीजिए, क्या कह रहे थे? सेंट थॉमस का चर्च है ना, जो भी जाता है ना वहां पे, वहां का मिट्टी बेचते हैं क्योंकि वो बहुत ही मिराकुलस है. वहां की मिट्टी जिसको दफन किया था, अब सीधा मिट्टी बेचना बंद किया, लेके विजिटिंग कार्ड होता है ना, विजिटिंग कार्ड के कॉर्नर पे थोड़ा सा मिट्टी लगा के उसको लैमिनेट करके देते हैं. तो है, कार्ड है मेरे पास पड़ा है, इसका मतलब वो सेक्रेड सॉइल. अब वो आदमी आया ही नहीं तो किसकी मिट्टी बेच रहे हैं आप? हे भगवान, ये तो फेक नैरेटिव का हाइट हो गया ना. सही बात. एक और फेक नैरेटिव जो चलाया आपको, या कहेंगे डीवियस नैरेटिव, वो ग्राहम स्टेन्स का मर्डर ओरिसा में. सबको मालूम होना चाहिए कि ग्राहम स्टेन्स के मर्डर से पहले स्वामी लक्ष्मानंद का मर्डर मिशनरीज ने करवाया नक्सलाइट द्वारा. नहीं, आपका सीक्वेंस गड़बड़ हो गया. ये लक्ष्मानंद 2008 में, ग्राहम स्टेन्स पहले हुआ था. नहीं, लक्ष्मणन पहले हुआ था. नहीं, ग्राम सिंह पहले होता, 90s में होता, लक्ष्मणानंद 2008 में. आई थिंक चले, अगर मेरा नहीं, उसके बारे में मैं एक बात बताना जी. मेरा एक ये है चुनौती, खुली चुनौती आपके आपके माध्यम से मैं सबको देना चाहता हूँ. 2014 से मेरी एक खुली चुनौती रही है, कोई भी मुझे एक एक घटना ऐसी बता दे जो ईसाइयों का पर्सिक्यूशन इस देश में हुआ हो, हिंदुओं द्वारा ईसाइयों का हुआ हुआ एक पर्सिक्यूशन घटना कोई मुझे दिखा दे. आज तक मुझे कोई दिखा नहीं पाया, 2014 से आज 7 साल हो गए.
आपसे फिर दोहराता हूं मैं, मुझे कोई मुझे एक घटना बता दे, परसिक्यूशन ऑफ क्रिश्चियंस इन इंडिया बाय हिंदू, दिस इज माय ओपन चैलेंज। अगर कोई पादरी कोई बिशप बना दे, मैं उसको उसका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, दिखा दे मुझे। पर उससे पहले भी परसिक्यूशन तो कहीं नहीं हुआ, आपस में तकरार हुआ है, परसिक्यूशन तो नहीं किया। इसलिए मैं बोलता हूँ मुझे एक घटना दिखाए, वो बोलते हैं नंबर, बोलते हैं इतना 700 परसिक्यूशन, 7000 परसिक्यूशन, मेरे को नंबर से मतलब नहीं है, मुझे एक घटना पूरा पूरा तथ्यों के साथ चाहिए। आप एक घटना नहीं दे पाते मेरे को, चाहे पिछले 70 साल का ले लो या 700 साल का ले लो या 7000 साल का ले लो। अच्छा ये तो बताओ, ये तो मानते हो जब भी सीक्वेंसिंग में गड़बड़ हुई हो ना हो, स्वामी लक्ष्मणानंद नंद जी का मर्डर करवाया मिशनरीज ने, डू यू अग्री विद दैट? नक्सलों द्वारा करवाया, नक्सलों द्वारा स्वामी लक्ष्मणानंद जी का उड़ीसा में करवाया, क्योंकि वो आदिवासियों के बीच में, वहां मूल निवासियों के बीच में सक्सेसफुली काम कर रहे थे और उनको अपने फोल्ड में रख पा रहे थे, और उसका कहीं जिक्र नहीं आता, कोई जिक्र नहीं है किसने मारा, क्यों मारा, कोई जेल गया, वो नहीं, कुछ नहीं, वो क्रिश्चियनिटी के रूप में, क्रिश्चियन टेरर के रूप में, नक्सल क्रिश्चियन नेक्सस के रूप में कभी नहीं जिक्र होता। गूगल सर्च करिए तो, ग्राहम स्टेन्स पे करिए तो लाखों आपको आर्टिकल मिल जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जबकि वो भी कन्वर्जन फैक्ट्री ही चला रहा था थ्रू वेरी डीवियस मींस। तो आप देखिए कैसे ये जो मैन्युफैक्चर नैरेटिव की आप बात करते हैं, कितना ग्लोबल सीरिया भारत के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ तैयार किया ग्राहम स्टेन्स को लेके, पर जिनको ये मरवाते हैं नक्सलवादियों के हाथों, उनका तो कोई जिक्र नहीं। नॉर्थ ईस्ट में जो टेरर ग्रुप्स हैं, वुड यू अग्री दैट जैसे झारखंड इत्यादि में चर्च बेस्ड है माओइस्ट की सपोर्ट, तो नॉर्थ, हाँ जी सीधा 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 लिंक है उनका चर्च, अभी स्टैंड स्वामी तो इसीलिए तो पकड़ा गया था, चर्च और नक्सलों का सीधा सीधा संबंध है। और जो नॉर्थ ईस्ट का सेसेशन मूवमेंट्स हैं वो भी तो उसमें भी चर्च का हाथ है, सीधा साधा चर्च का सीधा हाथ है। हाँ। और रिलीजियस फ्रीडम में ये आता है कि आप चर्च को छू नहीं सकते, चाहे वहां से वो टेरर अटैक लॉन्च करवा ले। हाँ। सरकार अगर मन बनाए तो कर सकती है, सरकार को मन बना लेना चाहिए ना। ये बोलते हैं आजकल, बोलते हैं ना बिल चाहिए मेरे को, एंटी करप्शन बिल चाहिए। मैं बोलता हूँ बिल की जरूरत नहीं है, विल की जरूरत है। विल इज रिक्वायर्ड नॉट द बिल। अगर आपके पास बिल है तो मैं बता सकता हूं आपको कि कैसे किया जाए इसको, कोई बिल के बिना, विदाउट एनी एक्स्ट्रा बिल यू कैन कंट्रोल दिस। अगर आपके पास बिल नहीं है तो बिल ले, आप 10 बिल ले आइए, कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा दीपक कुमार पूछ रहे हैं क्या मिशनरी स्कूल नंस को सैलरी मिलती है? नहीं मिलती ना, नहीं मतलब खुद को नहीं मिलती है, जो भी मिलता है उनको कांग्रीगेशन में जाता है। कांग्रीगेशन, हां वही, उनको खुद सरकार से लेते हैं। अब देखिए कई सालों में, कई स्कूलों में ऐसा है कि सरकार से पगार आता है तो पगार लेती हैं, उनके अकाउंट में जाता है, जैसे उनके अकाउंट में गया तो फिर कांग्रीगेशन को देना पड़ता है, उनके हाथ में, उनके हाथ में 200 रुपया बचता है, बस 200 रुपया पॉकेट मनी। हाँ जी, हाँ। खाना पीना तो ठीक ही देते हैं नहीं, वो तो कॉन्वेंट में होता है, फिर 200 रुपया देके पगार सारा कांग्रीगेशन को, सरकारी पैसा सीधा सीधा। Palghar incident, was it politically motivated or was to hide Hindu boys who been abused by pastors? आप बताएंगे रॉबर्ट? नहीं, पालघर तो खुला है ना आजकल की ईसाइयों द्वारा मरवाया गया, वो तो ओपन सीक्रेट है, सब जानते हैं कि पालघर हिंदू को किसने मारा, कंप्लीटली चर्च इज द मर्डरर देयर। अच्छा ये जो लिंचिंग हुई साधुओं की, वो किसकी हुई, वो उसके के पीछे, ऑफ कोर्स दैट्स अ नक्सल डोमिनेटेड एरिया, क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया, बट व्हाई डिड दे हैव टू लिंच दोस हैपलेस साधुस? वो तो रास्ते वहां सिर्फ जा रहे थे, कुछ कर रहे थे, कुछ सबक सिखाना होगा कि इस रास्ते में मत आओ, टेररिस्ट, ये टेररिस्ट क्यों मारते हैं, कि हमारा इलाका है, हाउ डेयर यू कम हियर। आई सी ऐसे, हां सही कह रहे हो, जो रेड कॉरिडोर है, हाँ जी हमारे मर्जी के बिना कैसे आए,
तो ये रेड कॉरिडोर में घुसना भी वाकई यू आर राइट मना ही हो गया है। ये हो गया हमारा, मतलब टेरिजा पे बात हो गई है पल्लव जोशी जी। पियर आई एम सॉरी आई मिस द अर्लियर पार्ट, वाज लव क्रॉस ऑलरेडी डिस्कस्ड एज अ मीन ऑफ कन्वर्जन। हाँ पिया जानना चाहती हैं कि ये लव क्रॉस जो होता है एज अ मीन्स ऑफ कन्वर्जन, कुछ बताएंगे इसके बारे में? व्हाट इज लव क्रॉस? ये दीपक कुमार का हो चुका है एडमिन, डोंट कीप ब्रिंगिंग द ओल्ड, आई मीन यू ब्रिंगिंग दोस दैट हैव बीन डेल्ट विद। ये पिया पूछ रही है कि लव क्रॉस कुछ होता है? नहीं, लव क्रॉस पता नहीं क्या होता है लव क्रॉस, मैं भी नहीं जानती हूँ। Transfer of power with Nehru included Christian run schools to be left with them. हाँ ये तो है, Nehru was very soft on. Would you agree? अरे नेहरू का पद पे बिठाई है उसने था, तो वो क्या रह गया ही, वो किसने बिठाया था उसके पास, क्या मेजोरिटी थी, किसने बिठाया उसको? He was अंग्रेजी शासन 2.0 बस। सही बात है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये लास्ट है, शिल्पा मुर्देश्वर कह रही है, वन लैंडमार्क इन फ्रंट ऑफ सिद्धि विनायक टेम्पल इज पुट सेइंग दिस लैंडमार्क इज 13 किलोमीटर फ्रॉम सेंट थॉमस चर्च। अच्छा सभी जो हमारे भव्य स्थान है, तिरुपति है जहाँ, उसके आसपास जिस तरह चर्चेस प्लांट कर रहे हैं, तो डू दे होप टू वन डे कम्प्लीटली टेक ओवर दीज Hindu spaces like Islamists do? Is that the agenda? Obviously, the vision is very clear. Vision is very clear. Hindus have failed to understand. That's all. And क्या बोलते हैं? Public space, capture the public space. So they have already done it. सही बात है. और उनका agenda काफी खुला है, जिसको वो Joshua project कहते हैं. Planting कहाँ करनी है, किस community को पकड़ना है. और जैसा मैंने कहा, Would you agree that Ambedkarism, पहले लोगों को अम्बेडकराइट बनाओ, कास्ट हॉस्टिलिटी बना के उसका नैरेटिव, और इट्स लाइक हाफ वे हाउस टू क्रिश्चियन, है ना? हाँ जी, बहुत से मैं सारी बुराइयां अभी आपके आपके यहाँ पे हिंदू यहाँ के सारी जितनी भी बुराइयां वो गिनाने के लिए अम्बेडकर का काम आते हैं। अब देखिए अम्बेडकर जैसे को इन्होंने नहीं छोड़ा तो ब्रेन वॉशिंग कर फिर यहाँ आओ, दिस इज द राइट वे, सही रास्ते पे आओ। अच्छा इनकी बुराइयां कौन गिनाएगा? इनकी बुराइयां अरे गिनाना क्या आसान, अगर इतिहास पढ़ोगे तो सब दिखती है आंखों के सामने, और इतनी इतनी है कि पूरे जिंदगी काफी नहीं है कि इनको पढ़ने के लिए, इतनी है इनकी। हाँ जेनोसाइड आफ्टर जेनोसाइड, जहां भी क्रिश्चियनिटी गई, फिजिकल जेनोसाइड, स्लॉटर, कल्चरल जेनोसाइड, ज्ञान परंपरा की जेनोसाइड, जहां भी गए ये हुआ, और एक छोटा सा टुकड़ा भारत का बचा हुआ है या कुछ बौद्ध देश, तो ये तो आंख में खटकते होंगे। आधे आधे ऑन द ट्रायम्फेंट मार्च, दिस माय लास्ट क्वेश्चन, कि इज इट गोइंग टू कीप स्प्रेडिंग और इज रेजिस्टेंस ग्रोइंग विद इन हिंदू सोसाइटी? क्या सवाल था हिंदू सोसाइटी में? मैंने कहा कि ये क्या फैलते ही जाएंगे इस तरह, और यूरोप में क्यों श्रिंक कर रहे हैं, और यहाँ क्या फैलने का कारण है, वहां क्यों श्रिंक कर रहे हैं? यूरोप यहाँ पे फैलते हैं कि इनका इनका स्ट्रेटेजी ऐसा ना, इतना पूरा फोर्स पूरा दम लगा के कर रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो जो फैलने का ये तो बहुत ही कम है कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट दे हैव डन, देयर ग्रोथ इज वेरी वेरी मिनिमल एक्चुअली। आपको जो ग्रोथ दिखती है ना इन्वेस्टमेंट, तो उससे कहीं ज्यादा है, इन्वेस्ट के हिसाब से तो 100 गुना ज्यादा होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है, फिर भी जितना हो रहा है वो अलार्मिंग स्केल, सो दैट मींस फॉर सेवरल इयर्स दैट मच ऑफ इन्वेस्टमेंट दे हैव डन। अब हिंदू समाज की बात करें तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा अवेयरनेस हिंदू समाज में आ गया, ऑलरेडी आ चुका है, मेरे को लगता है कि आप पिछले एक 5-10 साल के देखेंगे तो अवेयरनेस काफी हद तक बढ़ा है, बहुत हद तक, लेकिन अपना पॉलिटिकल क्लास है ना वो आज भी निद्रा अवस्था में है, वो कभी जाग नहीं पाए, ये तो बहुत ही साफ शब्दों में बोलने वाली बात होगी।
हिंदू समाज जाग चुका है, नेतृत्व नहीं जागा है, उसकी मजबूरियां हैं कि बिका हुआ है। मजबूरियां से भी ज्यादा मेरे को लगता है कि क्या बोलते हैं कि मनोबल, मनोबल नहीं है, ना विल है ना मनोबल है, डिफीटेस्ट माइंडसेट, आई वुड पुट इट दिस वे, डिफीटेस्ट माइंडसेट, क्योंकि इनको मन में इतना बैठा है कि ना हम कर नहीं पाएंगे, अपने से हो नहीं पाएगा, हम तो पैदा इसीलिए हुए हैं कि गुलाम बनने के लिए हम पैदा हुए हैं। अगर ये मानसिकता लेकर आप तो सत्ता पे बैठोगे तो क्या कर पाओगे, तो हथियार उठाने से पहले तो आप हार गए, ये मानसिकता मेरे को दिखता है। आखिरी सवाल, ये यूरोप में क्यों नहीं यूथ को संभाल पा रहे अपने फोल्ड में? उधर हो गया ना, उधर कंप्लीट हो गया, एक फेज कंप्लीट हो गया, उधर संभाला, सब कुछ किया, उनका नेटिव कल्चर डिस्ट्रॉय किया, अपने अपने हाथों मिला, सब कुछ किया, अब आगे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट तो ये होगा बर्बादी बर्बादी, या क्रॉस दैट फेज, ऐसा नहीं कि नहीं किया, सब कुछ करने के बाद अब अगला स्थिति तो यही है। क्या इसलिए कि जो कहते हैं कि दिमाग मत इस्तेमाल करो, तो वो बगावत जो इंडिविजुअलिज्म के कल्चर के साथ आती है वेस्टर्न सोसाइटीज में, उसमें ये फिट बैठता नहीं? नहीं नहीं, आप वेस्टर्न सोसाइटी के तो ये देखेंगे तो दे डोंट हैव कल्चरल डेप्थ, उनके पास ना ना सभ्यता है, ना इतिहास है, ना कल्चरल कुछ है, ना ही ज्ञान का भंडार है, कुछ भी नहीं है, दे आर वेरी वेरी न्यू, ऐसे बोलते हैं कि नया नया पैदा हुआ बच्चा है, ऐसा है कंपेयर टू द कल्चर ऑफ इंडिया, मैं बात कर रहा हूँ, जितना कल्चरल हेरिटेज हमारे पास है उसके सामने यूरोप का कुछ भी नहीं है, तो उनको दिशा आपको दिशा दिखने के लिए आपको पीछे देखना पड़ता है कि मेरा इतिहास क्या है, तो इतिहास से आपको सबक मिलती है कि मैं किस तरफ जाऊं, अगर इतिहास ही नहीं है तो फिर फ्यूचर तो ब्लैंक ही ब्लैंक होगा ना। Well, with these words, I think it's time to end this episode. We'll have you again discuss some more issues, Robert. You've spoken fiercely and freely. इतना साफ साफ शब्दों में बहुत कम लोग बोलते हैं. It's been a delight listening to you, and thank you for sparing your time. Hope to have you again on our show. And viewers, please do like, subscribe, share this channel with your friends. We need your support. And send me your feedback and suggestions on our email address that you see on the screen, editor@manushi-india.org. And do support Manushi's baby channel, a fledgling channel, which is just a few months old. We look towards you to help it grow and spread. Thank you, Shivratri, Robert ji. What a pleasure listening to such a free voice. Isko kehte hain freedom of speech. Isko kehte hain intellectual freedom ka jeeta jaagta namuna. Itne saaf shabdon mein baat maine bahut kam logon se suni hai. So for me, it was a real treat, Robert, and a real privilege to get to know you. Wish you more strength in all your endeavors, and let's stay in touch. Shubhratri, Jai Hind. Shubhratri, Namaskar.